ପ୍ରଶ୍ନ ତାର ତ ଆମେ ରହି ହରିହର କ୍ଷେତ୍ର ମେ ଶିବଜୀ କ୍ୟା କରେ କ୍ୟୁ ହରିହର କ୍ଷେତ୍ର ମେ ଶିବଜୀ ହେ କ୍ୟୁକି ହରିହର ନାମ କ୍ୟୁ ହେ ହରି ମାନେ ବିଷ୍ଣୁ ହର ମାନେ ଶିବଜୀ ଇସଲିଏ ନାମ ପଡ଼ା ହରିହର କ୍ଷେତ୍ର ବିଷ୍ଣୁ କେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହେନେ କେ ନା ସେ ହରିହର କ୍ଷେତ୍ର କହା ଯାଏ ପିତା ପୁତ୍ର କେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହେନେ କେ ନା ପ୍ରିୟା ପୁତ୍ର ପିତା ପୁତ୍ରତ୍ୱ ଭି କହା ଯାଏ ଠିକ ଉସି ପ୍ରକାର ଶିବଜୀ ହରିକେ ଯାଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହେ ଇସଲି ହରିହର କ୍ଷେତ୍ର କା ଏ ନେଇ ହରି ହି ହର ଅଥବା ହରି ହରି ଏ ବାତ ନେଇ ଇସମେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାସ ହୋତା ହେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାସ ଜାଣତୁ କି ନାହିଁ ସମାସ ପଢ଼ା କି ନାହିଁ ବହୁତ ପଦ ପାଇଲେ ସମାସ ନେଇ ଜାଣତ ଦ୍ୱନ୍ଦ ସମାସ ହୋତା ହେ ଯାହା ପର ଦୋ ଶବ୍ଦକେ ଏକତ୍ରିତ କରକେ କହା ଯାତା ଯେ ରାମ ଓ ଶ୍ୟାମ ରାମ ଶ୍ୟାମ ହୋତା ପିତା ଓ ମାତା ପିତା ମାତା କହା ଯାତା ଆରେ ଇନେ ଥୋଡ଼ା ସା ମୁଁ ବେଟର ହୁଏ ସବୁ ଯା ରହେ इसलिए इसका जो है दमदर समझ कर जैसे कोऑर्डिनेट कहा जाता है जो शब्द भी दो सेंटेंस की विकसित करके एंड और कंबाइन करके कहा जाता है कंबाइंड शब्द होता है हरी एंड और प्रकार का हरी नाम हरिहर हरि के अपर हरि के अत्यंत प्रिय होने के नाते इसके हरिहर भी कहा जाता है किंतु ये नहीं ऐसा है हरि ही हर नाम हरि हरि ये नहीं ये लोग अलग समझ लेते हैं जिस प्रकार रामेश्वर की शब्द आप लोग ने सुने है राम जिसके ईश्वर है जस्व ईश्वर राम इति रामेश्वर राम जिसके ईश्वर है राम किसके ईश्वर है शिव जी इसलिए उसके कहा जाते हैं रामेश्वर कहा जाते हैं और देवता लोग कहते क्या राम असु शिव ईश्वर तो दोनों ही ईश्वर कहा जाते हैं किंतु ये शब्द नहीं है तब स्वयं शिव जी शिव मूर्ति से जो है प्रकट होकर के बोले नहीं ये राम ही मेरा जो है आराध्य देव ईश्वर है मैं इनके सेवक हूं ठीक उसी प्रकार यह पर हरि और हर राम जी के अत्यंत प्रिय जो है हरि मैं हरि का अत्यंत प्रिय शिव जी है इसलिए उसके नाम है हरिहर हरिहर का कहा जाता है यहाँ पर कथक शिव जी यहाँ पर आए हैं मैं नवोदय धाम की विशेषता एक है यहाँ पर दो प्रकार के लोग आते हैं एक सिद्ध भी रहते हैं एक साधक भी रहते हैं और तीसरी क्या लोग रहते हैं अपराधी के भी ये धाम आश्रय देते हैं ब्रज में जितने अपराध करने वाले हैं समझ में आ रहे कृष्ण लीला में जितने अपराधी थे सब अंत में वो अपराध दूर करने के लिए अनुतप्त तो होकर के यहीं पर नवद्वीप धाम में आकर के उन्होंने साधन भजन किया और स्वयं कृष्ण उनके सारे अपराध को दूर करा करके नष्ट करा करके उनको साक्षात प्रेम भक्ति प्रेम भक्ति प्रदान किया और उनके भी गौरांग स्वरूप भी दर्शन कराया
जितने अपराधी हैं वृंदावन में, जितने अपराधी थे सारे अपराधी लोग अंत में नवद्वीप में आकर के भजन साधन किया, समझ में। और फिर उनके सारे अपराध को स्वयं भगवान मुक्त करते, अपराध से मुक्त करते। और अंत में स्वयं कृष्ण अपने गौरांग स्वरूप में उनको दर्शन कराया। एक तो कृष्ण स्वरूप उनको दर्शन कराया और फिर दूसरी स्वरूप क्या दर्शन कराया, गौरांग स्वरूप दर्शन कराया। नवद्वीप धाम वृंदावन धाम में नवद्वीप स्वरूप अति सहज में दर्शन नहीं कराते, उनका चित्त था। किंतु ये नवद्वीप धाम में स्वयं कृष्ण अपने स्वयं कृष्ण स्वरूप दर्शन कराते हैं और दूसरी गौरांग स्वरूप जो राधा कृष्ण मिश्र जो स्वरूप जो है उनको दर्शन कराते। इसलिए नवद्वीप धाम की एक विशेष वैशिष्ट हमारे आचार्य आचार्य पाद में, जैसे मैंने उस दिन ब्रह्मा जी की कथा सुनाया, ब्रह्मा जी गोवत्स का हरण किया, सखाओं के हरण किया, इस अपराध के फलस्वरूप और उनके उनताप हुई ब्रह्मा जी। फिर ब्रह्मा जी यहाँ पर आकर के भी तपस्या किया है, इसलिए सिखा था ब्रह्मा जी के तपस्या स्थली कहा जाता पर अंतर्दीप का अंतर्दीप जो है ब्रह्मा जी के तपस्या स्थली भी कहा जाता है, जप स्थली भी कहा जाता है। ब्रह्मा जी ने वहीं पर जप नहीं किया। शिव जी भी इसी प्रकार कृष्ण के लीला में उनके चरण में अपराध किया। पहले हम लोग कहाँ गए थे, क्या बोले सुरभि कुंज भी गया था, वहीं पर बद्रुम द्वीप की कथा आपने श्रवण किया, जहाँ पर स्वयं इंद्र भी वहीं पर गो माता के साथ में आकर के वहीं पर भी तपस्या आदि की और अंत में स्वयं भगवान कृष्ण इंद्र के भी कृपा की और गौरांग स्वरूप ही उनको दर्शन कराए। तो ये सब तो दिखा देता है। अभी हरिहर खत्र के कथा कुछ बोलने की प्रयास कर रहे हैं। शिव जी कृष्ण लीला में अपराध क्या गया, तारक लीला की कथा आ जाती है, श्रीमद भागवत में पुंडरीक वासुदेव की कथा आ जाता है, जिसको कहते हैं श्रीगाल वासुदेव भी कहते हैं। क्या बोला, श्रीगाल वासुदेव से सिहार का नाम से, और उसके भी कहते हैं तारक वासु लोग उसको भी कह रहे तुम सिहार जैसे हो, सिहार जैसे हव 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 करते हैं ना, वो पुंडरीक वासुदेव जो है वो हव 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 करता था। वो अपने के भगवान पे अगर गेड्डी घाटता था और कृष्ण के साथ चैलेंज करता था, कृष्ण के भी बोलते थे तुम वासुदेव नहीं हो, मैं वासुदेव हूँ। क्योंकि भगवान कृष्ण की लीलाएं की एक विशेषता है, इसके समझने के प्रयास करो। कृष्ण के तीन धाम में कृष्ण तीन स्वरूप में विराजमान होते हैं। क्या कितने स्वरूप में, तीन। वृंदावन में कृष्ण जो ब्रजनंदन रूप में वो विराजमान होते हैं। वृंदावन में सबसे कृष्ण जो है दो भुजाएं प्रकट करते हैं, कितना। मथुरा में कृष्ण जो है वो भी दो भुजा और वो भी चतुर्भुज रूप में प्रकाशित होते हैं, चतुर्भुज जो है कदाचित वो प्रकाशित करते हैं। द्वारका लीला में कृष्ण अधिक रूप में जो चतुर्भुज चार भुजाएं जो प्रकाश करते थे, कभी दो भुज अधिक रूप में चार भुजाएं प्रकाश करते थे, इसलिए उसके वासुदेव भी कहा जाता है। आज ये जो चतुर्भुज में आ जाते हैं वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न। ये वासुदेव स्वयं भगवान जो है द्वारका में ये चतुर्भुज रूप में प्रकाशित होते हैं, क्योंकि लीलाओं के अनुसार ये द्वारका जो है कि पूर्ण ये पूर्ण धाम कहा जाता है। ऐश्वर्य और माधुर्य के विचार से ये और ऐश्वर्य पूर्ण है।
माधुर्य जो है सामान्य रूप में है और मथुरा में माधुर्य और ऐश्वर्य के करी करी बराबर होता है। जैसे होता है क्या 55 और 45 जैसे 55 और 45 परसेंटेज में रहता है ऐश्वर्य और माधुर्य के अनुसार। इसलिए मथुरा में कृष्ण अधिक रूप में द्विभुज और कभी कभी चतुर्भुज प्रकाश करते हैं और इसलिए इसके कहते हैं पूर्णोत्तर धाम कहा जाता है और वृंदावन भी कहा जाता है पूर्णतम धाम कहा जाता है। इसलिए पूर्णोत्तर पूर्णोत्तर पूर्णतम धाम ये धाम को विचार पहले आपको समझना पड़ेगा तब कृष्ण के स्वरूपगत विचार और ऐश्वर्य और माधुर्य के आप समझ पाएंगे। समझ गए थोड़ा ब्रेन के जो है लगा हुआ ब्रेन लगते कि नहीं क्या लगा क्या लिखा तुमने बताओ कहाँ गोपी गोपियों के साथ हास परिहास करते करते जैसे वो कथा सुनाते हैं ना लोग बैठे गांव में जाते हैं ब्रजवासी लोग नहीं मानते गोपियां नहीं मानते। जब वो रास्ते अंतर तक हुए गोपियां खोजने लगे तो कृष्ण एक कुंज में जाकर के छुप गए कृष्ण एक कुंज में जाकर के छुप गए और छुप करके वहीं पर चार भुजा प्रकट करके खड़े हो गए। गोपियां सारे आकर के देखा ये तो हमारे कृष्ण नहीं ये तो हमारे आराध्य देव नहीं हमारे प्राण प्रिय देव नहीं सब नृत्य नारायण मान करके प्रणाम करके चले गए। किंतु राधा जी जब आने लगी राधा जी की अंग गंध की इतने प्रभाव है स्वयं कृष्ण भी वो चार भुजाओं के जय धारण कर नहीं सके वो दो भुजाएं अपने आप उसके पेट में घुस गए इसलिए नाम हो गया बैठा हो गया उसको बैठ गए। इसलिए कभी कभी कृष्ण हास परिहास करते हुए अपना ऐश्वर्य जी के दर्शन कराते हैं किंतु ब्रजवासी लोग उसको मानते नहीं है ये कदाचित ऐश्वर्य प्रकाश करते हुए। एक्चुअली वृंदावन में जो है ऐश्वर्य जी की संपूर्ण रूप में प्रकाश है इसलिए पूर्णतम कहा गया ऐश्वर्य ऐश्वर्य और माधुर्य की पूर्ण जनता जो है मान पूर्णतम रूप जो है वृंदावन में है। समझे नहीं समझ पाया आया कुछ क्या बोला बताओ यदि समझ में आया तो बताओ क्या बताया बताओ। हम जो विचार करते जा रहे हैं हमारे विश्वनाथ चक्र है विश्वनाथ बलदेव विद्या भूषण प्रभु विचार दिखा रहे हैं ये धामों की तीन स्थिति है थ्री स्टेजेस ऑफ धाम पूर्ण पूर्णतर और पूर्णतम। ये पूर्णतर पूर्णतम की क्यों विचार कर रहे हैं ऐश्वर्य और माधुर्य की विचार हो रहे हैं कितने परिमाण कहाँ ऐश्वर्य है कितने परिमाण कहाँ माधुर्य है। वृंदावन में जो है इसके पूर्णतम धाम कहते हैं इसलिए वहां पर कृष्ण के सारे ऐश्वर्य और माधुर्य इतना प्रबल है दोनों ही बराबर चलते रहते किंतु होने पर भी वो ऐश्वर्य माधुर्य के द्वारा ढके रहते हैं मंडित रहता है मंडित समझते कि नहीं ढके रहते टू कवर विथ माधुर्य। इसलिए वो वृंदावन धाम के कहा जाता है पूर्णतम धाम कहा जाता है। क्या बोला पूर्णतम धाम फुलेस्ट धाम। और मथुरा के कहा जाता है पूर्णोत्तर कहा जाता है कंपैरेटिव क्यों वहां पर ऐश्वर्य तो पूर्ण ऐश्वर्य तो अधिक है किंतु माधुर्य कम कम है कम है मतलब क्या प्रकाश के अनुसार तो मैनिफेस्टेशन ऐश्वर्य अधिक रूप में प्रकाशित होते हैं और माधुर्य कम प्रकाशित होते हैं।
जैसे मैंने कहा 55 और 45 मैंने 55 माधुर्य रहता है और 45 पैसा जो रहता मथुरा में। और द्वारकापुरी में क्या है ना, द्वारकापुरी में जो ऐश्वर्य पूर्ण तो रूप में प्रकाश होता है, माधुर्य सामान्य रूप में भी 5% 10% माधुर्य प्रकाश होता है, लेकिन अधिक रूप में ऐश्वर्य प्रकाश होता है। ये धाम की ये वैशिष्ट्य आपके समझना, ये समझ में आ जाए तो सारे समझ में आ जाए, और ये समझ में नहीं आया तो समझ में नहीं आया देगा। आया समझ में? पहले इसको समझो। इसलिए ऐश्वर्य ऐश्वर्य और माधुर्य के ऊपर ही भगवान और भगवत भगवत्ता और भगवान की परिकरों की ये तारतम्य दिखा दिए। जैसे परिकर होते हैं भगवान, ऐसे भक्त के निकट अपने स्वरूप के प्रकाश करते हैं। क्या बोला, बोला बताओ। अकॉर्डिंग इन एसोसिएशन लॉर्ड मैनिफेस्टेड इज ओन फॉर्म। जैसे भक्त होंगे ऐसे भक्त के निकट भगवान अपने स्वरूप को वो प्रकाश करते हैं। ऐश्वर्य मार्ग के भक्त हो तो भगवान के ऐश्वर्य स्वरूप प्रकाश करते हैं। माधुर्य के भक्त होते हैं तो भगवान वही भगवान अपने माधुर्य के स्वरूप प्रकाश करते हैं। आज माधुर्य के मन सांसारिक लोकवत्तु कई बोलो मनुष्य की भांति लीला आदि करते, इसलिए वृंदावन की लीलाएं जो है इसके माधुर्य लीला इसके कहा जाए, क्योंकि यह पर सारी लीलाएं जो है मनुष्य के भांति, किंतु ऐश्वर्य प्रकाश होते रहते, किंतु ऐश्वर्य जो है माधुर्य के द्वारा इतने ढके रहते हैं जोग माया के द्वारा, इसको वो भी वो लोग विश्वास नहीं कर सकते। कृष्ण 7 दिन 7 रात गिरिराज को धारण किया, ये मनुष्य के लिए संभव नहीं है, संभव है मनुष्य ऐसे नहीं कर सकते, ये ऐश्वर्य है। किंतु ब्रजवासी लोग इसको कृष्ण के भगवान नहीं समझते, इसलिए इसकी परिभाषा भी है ऐश्वर्य किसको कहा जाता है, माधुर्य किसको कहा जाता है, इसके परिभाषा डेफिनेशन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऐश्वर्य एंड माधुर्य। जहां पर साधारण मनुष्य के भांति लीला अथवा क्रिया आदि होते हैं उसके कहा जाता है माधुर्य कहा जाता है। जहां पर मानव लीला के अतिक्रम करके अतिमत्त लीला जहां पर प्रकाशित होते हैं उसके कहा जाता है ऐश्वर्य। क्या बोला, समझ में आया? क्या बोला बताओ। जहां पर मनुष्य के भांति लीला, जैसे एक छोटा बालक खाने के लिए रोते भूख लगते, बालक जैसे मातृ गर्भ से जन्म लेते हैं, नाड़ी छेदन होते हैं, ये सारे वृंदावन में हो रहे हैं, भगवान और जन्मा हो भी जन्म ले रहे हैं, इसके भूख लगते नहीं, भूख लग रहे तड़प रहे, वन वन में भटक रहे, स्वयं कृष्ण वन में भटक रहे, गायों के पीछे में दौड़ रहे, अनंत विश्व ब्रह्मांड के जो अधिपति ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग जिनकी जिनकी चरण कमल वंदना आदि करते रहते हैं, आज वो कृष्ण गोचारण करते जा रहे हैं, गायों के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, वो भी कोई जूता फूता कुछ नहीं, हम लोग परिक्रमा करते जूता पहनते हैं, कृष्ण वन में कैसे भ्रमण कर रहे हैं, जो अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड के जो नायक जो है, बड़े बड़े दिक्पाल दिन की चरण कमल में नतमस्तक होकर के प्रणाम आदि करते हैं, स्तोत्र स्तुति आदि करते रहते हैं, एक ब्रह्मा नहीं है, अनंत करोड़ ब्रह्मांड के अनंत करोड़ ब्रह्मा आदि जिनके चरण कमल में आकर के नतमस्तक होकर प्रणाम करते,
आज वो प्रभु ने क्या कर रहे, वन वन में भटक रहे। साधारण मानुष मनुष्य के भांति अपने स्वभाव और वो बछड़े के लिए रो रहे, ब्रह्मादि चुरा लिया, हमारे सखा सखाएं कहाँ गए और बछड़े कहाँ गए। देखो जैसे बालक भाई भीत हो जाते हैं, उसी प्रकार कृष्ण भाई भीत होकर के रो रहे हैं, उनके होठों के हर सूख गए, आंखों के आंसू की धारा झूरी पड़ गई, क्लांत हो गए, फटिकने सा जो अनंत कड़े सब सर जो सर्वज्ञ होते हुए पर भी आज बिल्कुल अज्ञ जैसे दिखाई पड़े। तो ये समस्त लीलाओं के क्या कहते हैं, माधुर्य लीला, मनुष्य के बाद ही जहाँ पर लीला होती है। इसलिए बलदेव विद्याभूषण प्रभु ऐश्वर्य और माधुर्य, ऐश्वर्य और माधुर्य के डेफिनेशन दे रहे हैं, ऐश्वर्य प्रकाशित हो अथवा ना हो, ना हो। यदि साधारण मनुष्य के भांति जहां पर भगवान की लीलाएं होती है उस लीला को कहा जाता है क्या, माधुर्य लीला। समझ में आया, याद रखना पड़ेगा, ये है डेफिनेशन। और ऐश्वर्य लीला क्या है, नर लीला के अतिक्रम करके, मनुष्य लीला के अतिक्रम करके जब स्वयं भगवान अपने भगवत्ता की सीमा को प्रकाश आदि करते रहते हैं, भगवत्ता की जो सीमा होता है उस सीमा को भी स्वयं भगवान प्रकाश करते हैं, स्वरूप जो ऐश्वर्य आदि प्रकाश करते रहते, तब उसके कहा जाता है ऐश्वर्य लीला का। इसलिए ये डेफिनेशन को आपको समझना पड़ेगा, ऐश्वर्य और माधुर्य है क्या। यदि परिभाषा नहीं समझ में आता, कुछ समझ में नहीं आता है ना, डेफिनेशन को आपको जानना पड़ेगा। अतिक्रम शब्द नहीं दो, टू बियॉन्ड द ह्यूमन बींग लीला, बियॉन्ड द ह्यूमन बींग लीला, मानव लीला जैसे करते उसको नहीं, बियॉन्ड ह्यूमन लीला। जैसे मैंने कहा स्वयं भगवान चतुर्भुज प्रकाश किया और प्रकाश करके वो दिखाया, ये ऐश्वर्य लीला, नारायण स्वरूप के ऐश्वर्य लीला। संघ चक्र गदा पद्म, मनुष्य कोई संघ चक्र गदा पद्म धारण करता है, देवकी के गर्भ से आकर के स्वयं भगवान ने किया संघ चक्र गदा पद्म लेकर के धारण, उनके उनको दर्शन कराए। कोई बालक जन्म लेता है संघ चक्र गदा पद्म लेकर के, नहीं होता, ये वही सर जो हो गया मनुष्य के अतिक, मनुष्य के अतिक्रम करके जो बियॉन्ड द ह्यूमन बींग, मनुष्य जो है कैसे जन्म लेता है, तुम जब जन्म लिया तो मुझे पता ही नहीं है ना, अभी पता लगाना पड़ेगा। मनुष्य जब मानव जन्म से मातृकोख से जन्म लेते हैं, उसे माँ के कोख से साथ उसके नाड़ी के साथ जोग रहता है, जिससे नाड़ी छेदन होता है, ऐसा समझ नहीं। किंतु वाइफ पर कोई नाड़ी छेदन नहीं है, कहाँ पर, मथुरा में कंस के कारागार में, देवकी क्यों तो ऐसे ऊपर से दिखा रहे हैं, उनके जो अष्टम गर्भ जो है ऊपर से दिखा रहे हैं, उसके गर्भ भी ऊपर से दिखा रहे हैं। किंतु कृष्ण जब जन्म लिया तो वहीं पर कहा नाड़ी छेदन कहाँ हुआ। इसलिए तो हमारे आचार्य पाद कहते हैं भगवान कहाँ से कहीं से प्रकट हो जाए उसके उनकी उससे उनके माता पिता नहीं कहा जाए। जैसे नृसिंहदेव कहाँ से प्रकट हुए, खंभे से, तो खंभे उनके माता पिता कहा जाए। वराहदेव कहाँ से प्रकट हुए, ब्रह्मा जी के नासिका रंध्र से, नाक से प्रकट हुए, तो ब्रह्मा जी उनके माता पिता ब्रह्मा जी कहा जाए, ऐसे नहीं होता है। भगवान कहीं से भी प्रकट हो सकता है, इसलिए प्रकट लीला इसको कहा जाता है। ये क्या अतिमर्त लीला कहा जाता है, बियॉन्ड ऑफ ह्यूमन बींग कहा जाता है, मनुष्य की बात नहीं होता। भगवान यहीं पर आकर के चतुर्भुजों के दर्शन दिया, जैसे ध्रुव के दर्शन दिया, चतुर्भुजों के दर्शन दिया। सिंहदेव तो खंभे से प्रकट हो गया, चलो खंभा उसके माता पिता भी कहा, लेकिन ध्रुव के दर्शन दिए कहाँ से, हवा से आकर,
ध्रुव आँख खोले, देखा उनके सामने स्वयं नारायण सप्त चक्र गदा लेकर के खड़े हुए। तो ये समस्त लीलाओं कहते हैं अति मूर्त लीला कहते हैं। कहते हैं मानव लीलाओं के अतिक्रम करके, मानव लीला के अतिक्रम करके, मानव लीला के अतिक्रम करके जहां पर ऐश्वर्य की पूर्णता प्रकाश होती है, और उसमें एक होता है सबके भाई उत्पादन करा दे। ऐश्वर्य लीला में एक होता है उसमें सबके भाई उत्पादन करा दे, उत्पादित है भाई उत्पादन। क्या भाई उत्पादन होने से क्या होता है, भाई जानते हो डरता है, इतने उनके विशाल वैभव प्रभाव देख करके सभी लोग हाथ जोड़ते हैं। यहाँ पर जैसे नृसिंहदेव प्रकट हो गए, देवता लोग हाथ जोड़कर प्रणाम किया, स्तुति आदि करने लगे, भाई उत्पादन होते हैं, तब उससे इतना रेफरेंस करते हैं, प्रणाम करते हैं, वो बड़े हैं मैं छोटा हूँ, ये लघुत्व भाव होता है अपने में, ये क्या होता है लघुत्व भाव होता है, लघुत्व से मतलब छोटा भाव होता है, वो बड़े हैं गुरुत्व, वो बड़े हैं। इसलिए वृंदावन छोड़ करके कृष्ण के जितने भी लीलाएं हैं ऐश्वर्य लीला सभी उसके भगवत समान भगवत बुद्धि करके उनके प्रति दंडवत प्रणाम अधिक है। जैसे देवकी वसुदेव भी हाथ जोड़ करके भगवान की स्तुति कर रहे हैं, कोई संसार में माता पिता पुत्र की भी स्तुति करते हैं है? किंतु कंस कारागार में, कंस के कारागार में जब भगवान शंख चक्र गदा पद्म लेकर के प्रकट हुए तब देवकी वसुदेव भी हाथ जोड़ करके भी प्रणाम करने लगे और इतने ही कहने लगे प्रभु आप हमारे पुत्र के रूप में दर्शन, क्योंकि भगवान ने उसमें कहा हे देवकी वसुदेव मैं तुम्हारे वही इष्ट देव हूँ विष्णु, तुम्हारे तीन जन्म की कथा मैं सुना देता हूँ, कृष्ण सुतपार वामन देव की कथा उन्होंने सुनाया और ये मेरा ये वासुदेव स्वरूप है, तुम वही हो कृष्ण सुतपा, तुम दोनों ही कृष्ण सुतपा हो। तो ये कथा स्मरण करा दिया, तो स्मरण करने से उनके हृदय में एक भय उत्पन्न हो जाए भगवान है। तो इसके कहने के तात्पर्य इसी के कहा जाता है मानव लीला के अतिक्रम करते जा रहे बियॉन्ड ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, मानव लीला के अतिक्रम करते हैं। इसलिए उसी का जाता है ऐश्वर्य, ऐश्वर्य में कहते हैं भाई होता है वो बड़े हैं मैं छोटा हूँ, भाई कब होता है वो बड़े हैं मैं छोटा हूँ, तो इसलिए तो होता है भय उत्पन्न होता है। भय जब उत्पन्न हो जाता है तो तब होता है वो बड़े हैं मैं छोटा हूँ, इसलिए इसी कहते हैं ऐश्वर्य में लीला का। और माधुर्य लीला में क्या होता है वो बड़े नहीं है वो छोटा है हम बड़े हैं, इसलिए ब्रज में कोई कृष्ण की जगह बड़े नहीं मानते, कृष्ण के क्या मानते छोटा मानते, दिखा रहे इतने ऐश्वर्य ब्रज में कम ऐश्वर्य नहीं है, क्या बोले द्वारका मथुरा से सैकड़ों गुण ऐश्वर्य कहां पर है वृंदावन में, किंतु जोगमय के ऐसे प्रभाव है कोई ब्रजवासी लोग उसके नहीं मानते, उसके भगवान अथवा श्रेष्ठ नहीं देते, तुम्ही कौन बड़ो लोग हम ही तुम्हें सब सखा, तो कान सखा लोग जो है कान में चढ़ जाते हैं, तुम कौन सा बड़े हो गया है। कृष्ण ने अनेक बड़े बड़े काम किया, बकासुर बकासुर दबानौल पान किया, आग के पान कर लिया कि नहीं हम कर सकते हैं, किंतु कृष्ण ने ये सब किया, देखा देखने पर भी जोगमय के द्वारा ऐसे प्रभावित है ब्रजवासी, तथापि कृष्ण के भगवान
नहीं है, इसी के कहा जाता है माधुर्य। इसलिए ऐश्वर्य और माधुर्य के परिभाषा मैंने सुना, तो आइए द्वारका में कीजिए लीला जो मैंने कहा पूर्ण पूर्णतर पूर्णतर धाम। और जैसे जैसे भक्त होते हैं भगवान उस भक्त के निकट वो स्वरूप के वो प्रकाश कराते हैं। दस भक्त हो तो उसके नारायण स्वरूप और राम स्वरूप प्रकाश कराते हैं। वैकुंठ में नारायण स्वरूप प्रकाश करते हैं, गरुड़ विशेषण आदि ऐसे उनके उनकी नित्य परिकर है। माधुर्य स्वरूप में बलो क्या बोले वृंदावन में सुबल सिदाम नंद यशोदा गोपियां, इसलिए माधुर्य स्वरूप है। साधारण लोक भक्तु लीला कई बोलो मनुष्य के भांति लीला आदि करते रहते, इतने सुंदर स्वरूप प्रकाश करते रहते। और सर्वश्रेष्ठ कृष्ण के रूप कहाँ पर प्रकाश होती है, रास स्थली में राधा जी के साथ कृष्ण की जो है सर्वोत्तम जो माधुर्य स्वरूप रास स्थली में राधा जी के। इसलिए कहते श्यामे रमा रमणम सुंदरता वरिष्ठ सौंदर्य भूत समस्त जगत जनस्य श्यामस्य वाम भक्त तनु कदा ताम इंदिरा राम। हमारे लोगों को सही बात दिख रहे कृष्ण के सौंदर्य की पराकाष्ठा जो है सर्वोत्तम स्वरूप कहाँ प्रकाशित हो रहे रासस्थल में राधा जी के साथ। इसलिए कृष्णदास कविराज जी लिख रहे हैं राधा संगे कृष्ण यदि रहे दंड राधा आगे कृष्ण यदि रहे दंडाय भंग भंगिमा है घृणाचाय चेतन चेतन के कृष्ण के सामने जितने राधा जी आ जाए कृष्ण अपने आप टेढ़े हो जाएंगे त्रिभंग हो जाएंगे। इसलिए राधा आगे कृष्ण यदि रहे दंडाई त्रिभंग घूमना चाहिए अपने आप उनको त्रिभंग हो जाएंगे त्रिभंग फोड़ हो जाएंगे। क्योंकि माधुर्य जी इतने सुंदर जो प्रेम की जो प्राकाष्ठा जो होते हैं ना एक होता है प्रेम ऐसे एक वस्तु होता है वो अपने आप उसके टेढ़ा ही कर देते प्रेम ही टेढ़ा ही होते हैं प्रेम कभी सीधे नहीं होते। प्रेम के स्वरूप का तो जो परिभाषा जो है वो टेढ़ा ही होता है प्रेम कभी सीधे नहीं चलते। इसलिए ब्रज में कहते ना क्या बोलते हैं प्रेम नदिया है प्रेम नदिया की उल्टी वही धार है वो उल्टी बहुत पैसे उल्टा तरफ चलते रहते टेढ़े मेढ़े के चलते। इसलिए मेरे कहने की तात्पर्य जो है ब्रज में ऐसे सर्वोत्तम जो सौंदर्य ऐश्वर्य एक माधुर्य की प्रकाश की निकाल रहे आइए कथा में मैं फिर द्वारका में पहुंच जाए हम लोग। द्वारका में कृष्ण अधिक रूप में कितने क्या स्वरूप में प्रकाश होते थे बताओ क्या बोला था ऐश्वर्य अधिक रूप में क्या ऐश्वर्य में क्या है वासुदेव के जो चतुर्भुज रूप में प्रकाश होते हैं सब उसके भाई कहते वो राजा है दरकाधीश कहा गया है वो राजा है इसलिए उसके रेफरेंस देते प्रणाम करते सब इसलिए उसके उसके सभी लोग सारे दरगाहवासी लोग उनके बहुत सम्मान करते हैं। मथुरा में क्या बोले वृंदावन में कोई पूछने वाला नहीं है वृंदावन में कृष्ण कौन पूछेगा कोई नहीं पूछता और द्वारका में वही कृष्ण द्वारका में द्वारकाधीश बन जाता है सब उसके जो है जब कृष्ण विशेष करके जब वो सुधर्म सभा में जब प्रवेश करते हैं सभी लोग खड़े होकर के कृष्ण की स्तुति करते हैं। इसके लिए कृष्ण बलराम जब सुधर्म सभा में प्रवेश करते हैं और सभी लोग स्तुति आदि करते हैं इतना जो क्योंकि वो चतुर्भुज रूप के प्रकाश करते हैं द्वारका में अधिक रूप में चतुर्भुज मथुरा में क्वचित चतुर्भुज और वृंदावन में कभी नहीं वो गोपियों के साथ हास परिहास करते कभी कर दिए करते
ये आपको समझना है। चलो इसलिए उनके द्वारका में उसका क्या नाम है, वासुदेव कहा जाता है, वासुदेव कृष्ण कहा जाता है। इसलिए चतुर्भुह के अंतर्गत जो है वासुदेव प्रद्युम्न संकर्षण, वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनुरुद्ध, इसी के चलते वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न और अनुरुद्ध, ये इसे कहते हैं चतुर्भुह कहा जाता है। अभी समझ में नहीं आएगा, ज्यादा बोले तो कुछ दिमाग में कुछ घुसेगा नहीं, अभी तो कुछ नहीं अध्ययन नहीं किया तो क्या समझ में आएगा, आएगा सुनते रहो बस, समझ में नहीं आएगा। गुह किस्म कहा जाता है, इसके बाद चतुर्गुह क्या कहते हैं, चलो इतना ही समझ लो। तो चतुर्गुह चतुर्गुह जैसे वासुदेव संकर्षण और प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, आइए इसके जो है कृष्ण उसी, इसलिए कृष्ण के सभी लोग सम्मान करते हैं। और कृष्ण द्वारका में रहकर के कितने बड़े बड़े उसरों के वो पछाड़ दिया, सब सबको काट करके मार कर भगाया, विशेष करके वहां पर कृष्ण वो चतुर्भुह में विशेष करके सुदर्शन चक्र रखते हैं। उनके सुदर्शन चक्र की ऐसे विशेषता है, कृष्ण के कुछ करना नहीं पड़ता है, वो सुदर्शन चक्र ऐसे सबको जो है काट करके घूम करके आ जाता है। जैसे वो पांडवों की सभा में जब प्रवेश करने लगे राजसूय यज्ञ में, युधिष्ठिर महाराज के राजसूय यज्ञ में जब कृष्ण प्रवेश करने लगे, और उस समय ये क्या नाम उसका शिशुपाल गाली देने लगे, क्योंकि उसमें विचार था कि पूजा किसके होगी, पहले प्रथम पूजा जो है किसके पूजा किसके गई, तो उस समय बहुत प्रकार के लोग बहुत प्रकार करने लगे, कोई कहते विश्व पितामह की पूजा किया जाए, कोई द्रोणाचार्य की, अलग अलग लोग सब अलग अलग करते, किंतु वास्तव रूप में विश्व पितामह कहने लगे नहीं वासुदेव कृष्ण ही होनी चाहिए, वासुदेव कृष्ण जो है कुछ होना चाहिए। तब उस समय सभी लोग उन्हें सहमत दी, किंतु उस समय शिशुपाल गलत देना शुरू कर दिया, क्योंकि मृत्यु की घड़ी आ गई ना उनके, तो इसी प्रकार था एक साथ में उसको कितना गाली देना पड़ेगा, 101 गाली देना पड़ेगा, 100 गाली हो जाए तो हो गया, किंतु 101 गाली में जब हो जाएगा उसको कृष्ण उसके गला काटेंगे, उसको मां को तो वचन दिया था ना, आपने कथा जानते कि नहीं, तो इसलिए उस समय 100 गाली हो चुके, एक गाली रह गया, तो फिर जब एक गाली अंत गाली दे दिया तो सुदर्शन चक्र शक्ति पथ तक चले गए, सकुनी तो सोचते बोले मेरा गला न कट जाए, दुर्योधन दुशासन और उसमें द्रोणाचार्य और विश्वास पितामह सुदर्शन चक्र के प्रणाम भी किया, और अंत में सबके सामने देखते देखते शिशुपाल के गला कट गया, गला कट गया। मेरे कहने के कृष्ण के सर्वोत्तम अस्त्र जो है द्वारका में वो है सुदर्शन चक्र है, ये सुदर्शन चक्र के द्वारा वो सबको नाश कर, सबको नाश कर, ये विशेष सुदर्शन चक्र इतने बलवान, इसलिए द्वारका में भगवान के इतने परिश्रम करना नहीं पड़ता, कभी कभी लीलाओं के लिए थोड़ा युद्ध आदि कर लेते हैं, जिसे विष्णु ज्वर आदि सब लिखा है शास्त्र में, कभी कभी भगवान वीर रस आस्वादन करने के लिए तीर धनुष लेकर के भी करते रहते, उसमें है ना शिव जी के साथ युद्ध किया था उन्होंने, विष्णु ज्वर क्या बोलते हैं, विष्णु ज्वर और शिव ज्वर मान शिव त्रिशूल लेकर, शिव जी त्रिशूल लेकर भी युद्ध किया, ये कथा प्रसंग इसी प्रकार है। ये पांडुर क्या बोले पुंडरिक वासुदेव जो कह देते हो अपने के डीघा भी नहीं लगे, वो वासुदेव भगवान के कहने लगे तुम अपने नाम छोड़ दो, मैं वासुदेव मैं भगवान, और वो अपने आप जो है दो लकड़ी के हाथ लगा करके बैठता था, कौन पुंडरिक वासुदेव, इसलिए उसके कहा था सिगाल वासुदेव भी कहा था, सियार वासुदेव, सिगाल जैसे सियार जैसे भाव 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 करते रहता है, इसलिए पुंडरिक जो है वो भाव भाव करते रहता है, कृष्ण के गाली देता था,
तो एक कृष्ण ने अंत में क्या की, उनके साथ युद्ध किया, फिर उन्होंने उनको भी अच्छी तरह से उनको तो सहन चक्र से काट दिया, फिर उनके मित्र था क्या बोले काशीराज, तो सुदाम चक्र ने की काशी नगर के भी जलाया, काशी नगर के जला करके फिर शिव जी के साथ जोड़े, तो शिव जी ने किया कि भग गया, शिव जी के डोर को फिर कहां चले गए, भग गए शिव जी, भक्त भक्त सुदाम चक्र से पीछे चले गए, सुदाम चक्र भागते भागते चले गए, वो जगन्नाथपुरी में गए, आज जगन्नाथपुरी में जाकर के आश्रय लिया, भगवान के एक सब तो जगन्नाथपुरी में ही, तो वहीं पर वो रह गया, तो सुदाम चक्र बाप पीछे आ गया, वहीं पर वो रहे, वो कौन सा शिव निकट में जो जगन्नाथपुर में जो लिंग लिंगराज के रूप में वह पर जो कथा जो है आप लोग जानते हैं, बहुत पुरानी बहुत पुरानी कथाएं है, शिव जी वहीं पर रहने थे, इसलिए शिव जी भगवान के साथ अपराध भी किया, भगवान के साथ कौन लड़ सकते हैं, ये तो तथापि शिव जी ऐसे किया, इसलिए शिव जी फिर अपने विचार करने लगे, हाय हाय मैंने भगवान के चरण में अपराध किया, इसलिए अपराध नष्ट करने के लिए शिव जी यही नवदीप धाम में गुप्त काशी वाराणसी भी कहा जाता है, जैसे शिव जी के मूल स्थान क्या है, जैसे वाराणसी काशी कहा जाता है, जहां पर शिव जी राम नाम देकर के समस्त जीवों के मुक्ति देते हैं, जहां पर होते हैं मणिकर्णिका के घाट, आप वाराणसी जाओगे मणिकर्णिका के घाट के तट पर ही शिवलिंग आए हुए शिव जी है, और राम नाम दे करके सब जीवों की मुक्ति देते हैं, क्योंकि वो धाम की काशी धाम की एक महत्व भी है, कोई भी व्यक्ति काशी वाराणसी में शरीर छोड़े उनके अपने आप मुक्ति हो जाता है। एक राजा था, वो बहुत पापी था, वो राजा जीवन में बहुत पाप किया, तो मुनिमन विचार करने लगे मेरा मुक्ति कैसे हो, मैं किसी प्रकार से काशी में जाकर शरीर छोड़ दूं तो मैं मुक्ति हो जाए, अनायास में मुक्ति हो जाएगी, कोई साधन भजन करना नहीं पड़ता। हर धाम में एक विशेष वैशिष्ट है, कोई भी पापी कोई धाम में चले जाए धाम उसके सारे पाप नष्ट कर दे, अपराध तो नहीं करते, यदि अपराधी उसको नहीं लेगे तो पापी को धाम मुक्त कर दे, पाप नष्ट कर दे। इसलिए वो राजा विचार करने के मेरे अंतिम जो है सांस कहां छोड़े, काशी में, किंतु मन में विचार करने लगे मेरा मन ना विचलित हो जाए अंतिम में मैं कहीं भाग न जाऊं, इसलिए अपने बेटाओं के बोले पुत्रों के बोले एक काम कर मेरा हाथ और पैर को जो कट दे, और हाथ पैर कट करके मुझे काशी में डाल दो, कहीं नहीं मैं जा सकता। तो उसके पुत्र पिता उसके राजा के पुत्र ने किया कि राजा के हाथ और पैर को काट दिया और काट करके काशी में रख दिया, वहीं पर रहने लगे। इधर शिव पार्वती चिंतन करने लगे, ये महापापी हम आ गया इधर, इसे तो उद्धार करना पड़े, उद्धार तो हो जाएगा, इसे नरक में जाना चाहिए, ये काशी में रहने के लिए योग्य नहीं है, तो इसे काशी से बाहर कैसे निकाल दिया जाए। तो उस समय शिव और पार्वती ने विचार किया, बोले एक काम, पार्वती देवी ने एक क्या बोलते हैं घर घोड़े के सवार होते हैं ना, घुड़सवार जिसे घोड़े के चलाने वाले होते क्या होते हैं, हॉर्स ड्राइविंग जो करते हैं घुड़सवार आगे, और स्वयं शिव जी जो है घोड़े के धारण किया है। तो पार्वती देवी देवी राजा के निकट डी घाकने लगे, देखो ये मेरे घोड़ा जो है बहुत सुंदर घोड़ा है, इस घोड़े के पीठ पर कोई चढ़ करके कोई चढ़ नहीं सकते, और कि चढ़ दिया इतने वो रेस में जल्दी चलता है क्या बताएं। तो राजा जो क्षत्रिय थे वो सुन करके बोले, देखो मेरे यदि हाथ पैर रहता तुम्हारे घोड़े के ऊपर बैठ करके तुमको मैं दिखा देता ये घोड़े में कैसे चढ़ना, मैं जान जाऊ। तो देवी पार्वती तो उस समय घोड़े देवी पार्वती कहने लगे, देखो हमारे पास यहाँ दो चार व्यक्ति उनके घोड़े के ऊपर बैठा देते हैं,
तो राजा के घोड़े के ऊपर बैठा दिया और राजा किसी प्रकार से हाथ से जो है और लगाम कुछ बोलते ना उसको ऐसे पकड़ा, वो घोड़ा ऐसे दौड़ने लगे दौड़ते काशी के सीमा पार करके चले गए। और काशी के सीमा पार करने के साथ ही हाथ राजा घोड़े के पीठ से लुढ़क गए, गिर गए, बस राजा वहीं पर मर गया। बोलो वृंदावन महर्षि। काशी में उसके मित्र नहीं हुआ, मरना नहीं हुआ। इसी कहते हैं वाराणसी व काशी के ऐसे महत्व भी है जहां पर जीव अंतिम सांस छोड़ने पर उसके अनायास में मुक्ति हो जाए। और शिव जी वहीं पर ऐसे पापी लोगों के राम नाम दे करके मुक्त कर कान में अंत में जो है राम नाम देते हैं। ये पर आप जाइए काशी में देखेंगे मणिपुर निके के घाट, आजकल जहां पर वो क्या बोले शब्दाह होता है करने का घाट है, वहीं पर शिव जी के ये मंदिर है। तो ये आप शिव जी ने किया कि आइए कथा में तो शिव जी वो जगन्नाथपुरी से इधर आ गए, मन ही मन विचार करने लगे मैं तो कृष्ण के साथ युद्ध किया, कहां हुए प्रभु है, मैं भगवान के साथ युद्ध किया ये कुसुरु के पक्ष लेकर के। तो वे निदान आकर के उन्होंने कठोर तपस्या दिखी, इसलिए इसको भी कहा जाता है गुप्त वाराणसी भी कहा जाता है, गुप्त काशी भाग गुप्त वाराणसी। निकट में अलकानंद और क्या बोलेंगे गंडकी नदी भी प्रवाहित होती है, इसलिए उसके ये स्थान बहुत, ये स्थान के विशेष उद्देश्य शिव जी के तत्व बहुत जटिल भी है, वेरी कॉम्प्लिकेटेड भी है। शिव तत्व पूर्ण भगवत तत्व भी नहीं है और पूर्ण जीव तत्व भी नहीं है और पूर्ण माया तत्व भी नहीं है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद शिव तत्व के माधव जगत में ग्रंथ में शिव तत्व के वर्णन करते हुए कह रहे हैं शिव तत्व इतने जटिल है न जीव तत्व में पूर्णता है न भगवत विष्णु तत्व में पूर्णता है न माया तत्व में पूर्णता है। शिव तत्व में जीव के पूर्ण जीव के कितना गुण होता है 50 गुण होता है 50 क्वालिटीज ऑफ जीव, जीव में 50 क्वालिटी, जीव में 50 गुण होता है, साधारण जीव जो है उसमें 50 गुण होता है, देवता में वही 50 गुण अधिक रूप में होता है। शिव जी में कितना गुण है 55 गुण है, याद रखना शिव जी में कितना गुण है 55 गुण 55 क्वालिटीज शिव जी। इसमें दिखाते हैं जीव के पूर्ण 50 गुण तो है और देवता के पूर्ण जीवों के जो गुण है उसमें है, और फिर इसमें जो है 5 जो माया के कुछ गुण होता है। शिव तत्व जानने के लिए कुछ और कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, जिसे कहते हैं चैतन्य के बारे में समझना पड़ेगा। चैतन्य माने कॉन्शियस बीइंग, कॉन्शियस बीइंग एक होता है अनुचैतन्य, एक होता है बृहत चैतन्य, याद रख लो क्या बोला अनुचैतन्य और बृहत चैतन्य ग्रेट कॉन्शियस बीइंग ये भगवान है। भगवान के कहा जाता है बृहत चैतन्य, जीव के कहा जाता है अनुचैतन्य, समझ में आ जाता है। फिर ये बृहत चैतन्य की एक दो प्रकार की विकार है, माने भगवान की जो बृहत चैतन्य जो है वो माया और सशून्य कहा जाता है, बियॉन्ड टच ऑफ माया, माया से परे कहा जाता है, वही निर्गुण साक्षात पुरुष प्रकृति परे, ये तत्व दर्शन है। ये कहते माया से परे कहा जाते हैं, माया के कोई गुणों के साथ वो संबंध नहीं है उसका, इसमें बृहत चैतन्य विजय माया स्पर्श सुन्न और बता शिक्षक तो माया सुन माया स्पर्श करते हैं शिक्षक, शिक्षक दे अपने इच्छा से लीला के लिए स्वयं भगवान
वो क्या करते हैं, माया के स्पर्श करते हैं, माया के स्पर्श करते हैं। वही माया जिस स्पर्श जो करते हैं, जब स्वयं भगवान शिव जी के रूप में क्रिया आदि करते हैं तब वो माया के तमगुण को शिकार कर लेते हैं, जिसे कहा जाता है सदाशिव तत्व कहा जाता है। सदाशिव तत्व जो है ये क्या करते हैं, विष्णु तत्व होते हुए पर ही लीला के लिए, सृष्टि कार्य आदि लीलाओं के लिए ये माया के गुणों के वो स्पर्श करते हैं। और जो बृहत चैतन्य जो भगवान जो है, जो विष्णु तत्व जो कहा जाता है, वो माया के स्पर्श नहीं करते, कहता है हरि निर्गुण साक्षात। इस क्योंकि सृष्टि कार्य आदि में तीनों की प्रभाव दिखाई पड़ता है, एक ब्रह्मा जी, विष्णु और शिवों की कथा है। भारतीय वैदिक पुराण आदि में सृष्टि कार्य आदि के क्रिया में तीनों देवता की प्रधानता दिखाया जाता है, किसका, ब्रह्मा विष्णु और शिव, इसे लोग भ्रमित हो जाता है, इसमें भगवान कौन है। ब्रह्मांड पुराण पढ़े, ब्रह्म वैवर्त पुराण दे भगवान, ब्रह्मा को भगवान मानेंगे, विष्णु पुराण पढ़े तो आपको भगवान विष्णु मानेंगे, और शिव पुराण पढ़े तो आपको लगेगा शिव ही भगवान है, शिव से सब कुछ प्रकट हो रहे हैं, इसलिए तो लोग भ्रमित हो जाते हैं। ये तो विश्वनाथ चक्रवर्ती दिखा रहे हैं, ये कब, वही ब्रह्मा, वही भगवान कब ब्रह्मा के रूप में प्रकट होते हैं। अभी इसको पहले समझो, ब्रह्मा कैसे होते हैं। कोई एक व्यक्ति जीव यदि सता जन्म सजन्म तक वर्णाश्रम धर्म के ठीक ठीक से पालन करने से वो अंत में ब्रह्म पद को प्राप्त करते हैं, तब वो सृष्टिकर्ता बनता है। ब्रह्मा जी सृष्टि करता है, ऐसे साधारण नहीं होगा, कितने जन्म करना पड़ेगा, सजन्म सता जन्म जो अपमान, एक सौ जन्म उसके वर्णाश्रम धर्म के पालन करना पड़ेगा, ऐसे बीच बीच में नहीं एक जन्म कर लिया छोड़ दिया, ऐसे नहीं होता है। 10 दिन ब्रह्मचारी, एक बार गृहस्थ हो गया फिर ब्रह्मचारी, फिर गृहस्थ, ब्रह्मचारी गृहस्थ, वानप्रस्थ संन्यास, ऐसे नहीं होता, माने कंटिन्यू आपको वो धर्म के पालन करना पड़ेगा। यदि ब्रह्मचारी हो तो सजन्म आपको ब्रह्मचारी रखना पड़ेगा, है नहीं, नहीं एक जन्म ब्रह्मचारी, दूसरी जन्म गृहस्थ, तीसरी जन्म फिर ब्रह्मचारी, चौथा जन्म गृहस्थ, ऐसे नहीं होगा, है आपके क्या करना पड़ेगा, सौ जन्म तक वर्णाश्रम धर्म पालन करना पड़ेगा कंटिन्यू। ऐसे करने पर वो व्यक्ति ब्रह्म पद को प्राप्त करता है, माने ब्रह्मा जी के पद प्राप्त करते हैं, आज समझ में इतना बहुत कठिन, किंतु किसी किसी समय जो कल्प में ऐसे जीव प्राप्त नहीं होता है, तब उस समय स्वयं भगवान क्या करते हैं, ब्रह्मा जी के पद को ग्रहण करते हैं, तब उस समय जो है वो जीव नहीं रहता है, वो स्वयं भगवान ब्रह्मा जी के पद में आसीन होते हैं, ब्रह्मा जी के काज करते हैं। इसलिए ब्रह्मा दो प्रकार, एक जीव तत्व ब्रह्म होते हैं, ब्रह्मा होते हैं, और एक भगवत तत्व ब्रह्म होते हैं। जीव तत्व जो ब्रह्म, जो जीव स्वजन्म वर्णाश्रम धर्म पालन करके ब्रह्म पद को प्राप्त करते हैं, उसको क्या ब्रह्म कहते हैं, क्या ब्रह्म कहते हैं, क्या ब्रह्म के नाम क्या है, वैराज ब्रह्म, याद रखना, एक होता है वैराज ब्रह्म और दूसरी है हिरण्यगर्भ ब्रह्म। जिस कल्प में स्वयं भगवान विष्णु स्वयं ही ब्रह्मा जी के पद को संभालते हैं, उस समय उसके कहा जाता है हिरण्यगर्भ ब्रह्मा कहा जाता है, तो उस समय स्वयं भगवान वो भगवत तत्व होता है। और जिस कल्प में स्वयं कोई जीव सजनम ऐसे वर्णाश्रम धर्म पालन करके उस पद को प्राप्त, ब्रह्मा जी के पद करे, वो जीव तत्व ब्रह्म, उसको कहते हैं वैराज ब्रह्म। याद रखना ब्रह्मा दो प्रकार के होता है, एक वैराज ब्रह्म और एक हिरण्यगर्भ ब्रह्म। फिर कोई जीव जब ऐसे जो वैराज ब्रह्म, वैराज ब्रह्मा 100 साल उनके ब्रह्मा जी के कितना आयु होता है, 100 साल होता है, जैसे हमारे 100 साल होता है उसी प्रकार ब्रह्मा जी का आयु भी 100 साल होता है। उनके आयु 100 साल हो जाने के बाद वो मुक्त होकर चले जाते हैं, किंतु उनके क्या करते हैं,
फिर वो जी चाहे उसके शिव जी के पद प्राप्त करा दे, यदि चाहे तो। किंतु किसी कल्पों में तब वो जीव जो है शिव होता है। इसलिए कहीं की जो लिखा है जीव ही शिव है, शिव ही जीव है। इसलिए कहते हैं जो जीव ऐसे उन्नत अवस्था में जा करके शिव पद को प्राप्त करते हैं उसने उसके कहा जाता है शिव भी कहा जाता है। कहते ऐसे जीव मिलना बहुत कठिन होता है, मिलता नहीं है, बहुत कम। तब उस समय संग भगवान क्या करते हैं शिव जी के पद संभालते हैं, तब वो क्या होता है वो सदाशिव कहा जाता है। संग भगवान विष्णु ही वो सदाशिव है। अच्छा फिर आ जाइए, जो जीव शिव जी के पद प्राप्त करते हैं वो कोई साधारण नहीं है। स्वयं भगवान क्या करते हैं अपनी शक्ति उसमें आवेश करा देते हैं। क्यों शिव जी के पद प्राप्त करके शिव जी के कार्य करना इतने सहज नहीं होता, ढंग से के कार्य करना है, किसके मारना इतना सहज नहीं होता। जैसे किसके नौकरी मिल जाए, एक बार सरकारी नौकरी मिल जाए उसके हटाना बहुत कठिन होता है, होता है कि नहीं। नगरी नहीं मिला कभी बात नहीं है, किंतु एक बार किसी के सरकारी नगरी मिल गया इतने जल्दी से हटा नहीं सकते उसको, उसके बैठे बैठे पैसा देते रहो कुछ भी होता, हटाना इतने सहज नहीं होता है। तो उसी प्रकार मान किसी को मारना ध्वंस करना ये बहुत बड़ी काम है। इसलिए भगवान क्या करते हैं वो जीव के ऊपर क्या करते हैं अपने शक्ति को उसमें संचार करते हैं। जो जीव होता है, जो जीव शिव बनता है, जो जीव शिव बनते जा रहा बन रहा है, तो भगवान क्या करते हैं अपने शक्ति उसमें प्रदान करते हैं, शक्ति संचार करते हैं। जैसे उदाहरण जथा अस्कंत मणिवत, जिस प्रकार एक प्रकार मणि होता है अस्कंत मणि कहा जाता है, उसमें सूरज के तेज वहीं पर रिफ्लेक्ट होने से द्वितीय दूसरी सूर्य के वहां दिखाई पड़ता रहता है। मतलब सूर्य के रश्मि के इतना वो आकर्षित कर लेता है आपको लगेगा ये दूसरी कोई सूरज है। उसी प्रकार भगवान क्या करते हैं अस्कंत मुनि के भांति अपने सारे शक्ति के जो है उनको दे देते हैं। अस्कंत मुनि कहा जाता है, अस्कंत मुनि सूर्यकांत मुनि कहते हैं, अस्कंत मुनि कहा जाते हैं, नाम ही सुनाएंगे तो क्या बोला, क्या बोला अयस्कांत मणि, सूर्यकांत मणि होता है, एक मणि होता है जिसमें जैसे सूर्य के सारे रश्मि को तेज को आकर्षित कर लेते हैं, इतना ताप होता है। इसलिए पुराण की कथा इसमें अयस्कांत मणि कहा जाता है। इतना मैंने कहने की तात्पर्य क्या, भगवान सारे शक्तियों के जो है उसमें अभिष्ट करा देते, तब तो शिव जी का काम करेगा। ऐसे तो वर्णाश्रम धर्म पालन करके ब्रह्मा जी के पद प्राप्त किया, ब्रह्मा जी के पद के बाद तो शिव जी के पद तो प्राप्त किया, क्यों पद प्राप्त करने से क्या हुआ, शक्ति कहाँ से मिलेगा। इसलिए स्वयं भगवान क्या करते हैं अपने सारे शक्ति के जय उनको दे दिए। इसलिए शिव जी कोई साधारण नहीं है, भगवान के साथ जो लड़ रहे हैं अभी कहो ना शिव जी भगवान के साथ लड़ने लगे, तो भगवान के साथ कौन लड़ेगा, भगवान के बराबर कोई तो हो तब तो लड़ेगा, भगवान के साथ बराबर वो तो शक्ति कहाँ से, स्वयं भगवान अपनी शक्ति दे दी। इसलिए कहते हैं जथा अस्कंत मणिवत, जिस प्रकार अस्कंत मणिवत सूर्यकांत मणि सारे सूर्य के रश्मि के जो रश्मि को जैसे आकर्षित कर लेते और करा करके दूसरी शक्ति के सूर्य के भांति प्रकाश होते हैं, ठीक उसी प्रकार स्वयं भगवान अपने सारे शक्ति के जो जीव को दे देते हैं, तब होता है वो शिव जी के कर्ण ढंग से कार्य करता है, भगवान के साथ लड़ते हैं तब। तो ये शिव जी जो है अभी जो यहाँ पर शिव जी आकर यहाँ पर तपस्या आदि किया, स्वयं भगवान कृष्ण उनको दर्शन दिया और दर्शन देने के पश्चात है उनके गौरांग स्वरूप दर्शन कराए। इसलिए ब्रह्म संहिता में कहते हैं तो क्या बोले ब्रह्म संहिता शिव तत्व में बोले जथा
जैसे दूध में कोई एक विशेष वस्तु मिलाने से, खट्टा मिलाने से जैसे दही बन जाता है, किंतु दूध से तो दही बनता है, किंतु दही से पुनः दूध नहीं बनता। उसी प्रकार भगवान क्या करते हैं, ऐसे अपने सारे शक्तियों का देकर के उसे स्वत्व प्राप्त करा देते हैं। इसलिए वह जीव ही शिव के कार्य आदि करते रहते हैं। और जिस कल्पों में ऐसे नहीं मिलता है तो स्वयं भगवान स्वयं ही जो है शिव के आसन में अधीन होकर के कार्य आदि करते रहते, तो उसके कहा जाता है सदाशिव तत्व कहा जाता है। और बाकी जो शिव जो होता है वो कैलास, उनकी कोई प्रतीक्षा भी होता है, प्रतिबिंब होता है, बिंब प्रतिबिंब आदि कार्य आदि करते रहते। रुद्र शिव होता है, रुद्र शिव एकादश स्कंध में, तृतीय स्कंध में श्रीमद् भागवत में रुद्र शिव की कथा है। रुद्र शब्द होता है रोदनादिति रुद्र, रोदन करते हैं, रोते हैं। इसके तात्पर्य ये है, जब ब्रह्मा जी अपने चारों पुत्रों के समक्ष सनातन के सारे वेद शास्त्र अध्ययन सब कराया, ब्रह्मा जी करा करके बोले जाओ तुम लोग संसार धर्म पालन करो, विवाह शादी करो, जैसे माता पिता पुत्र का नाम बोलते हैं विवाह करो। तब उस समय चार कुमारों ने कहा, तुझसे ने कहा पिताजी ये बताइए वर्णाश्रम धर्म जो आपने बताया इसमें श्रेष्ठ धर्म क्या, कौन सा धर्म है? सन्नासी परम मम, सन्नासी सरसम मम, सन्नास जो है सर्वश्रेष्ठ है, कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, सन्नासम परम सन्नासम सिरसी मम, सन्नास धर्म पालन करो। तब उस समय चार पुत्र ने कहा, तदुसर ने ब्रह्मा जी के कहा पिताजी तब हम लोग आप गृहस्थ बनने के लिए क्यों करें, गृहस्थ बने तो सबसे जितना टेंशन है और कोई टेंशन में नहीं है कि नहीं है, मृत्यु तक इतना रहता है, बच्चा नहीं हुआ तो टेंशन है, बच्चा होगी तो टेंशन है, जब तक तुम्हारे अंतिम सांस नहीं निकले तब तक तुम्हें टेंशन पड़े, यही रहा। तो इसलिए कहा था पिताजी आप संसार धर्म क्यों पालन करते, क्यों कर विवाह आदि करने के लिए, बड़े विवाह नहीं करते संसार कैसे बढ़ेगा? अरे के बड़े ना बड़े हमें क्या लेना है, संसार बढ़ाने के लिए विवाह में करते रहो, यही बात, और टेंशन लेते रहो। तो दिल से कह रहे नहीं हम लोग विवाह नहीं करेंगे, हम लोग संन्यास लेना चाहते हैं। तो ब्रह्मा जी के क्रोध आ गया, ब्रह्मा जी के मुख लाल हो गए, उनके बात नहीं सुना, पिताजी के बात नहीं सुने तो पिताजी के गुस्सा हो गया। उस समय ब्रह्मा जी के मुख से जो है मैंने क्रोधित हो गया था, उनसे पसीना निकाल गया क्रोध से, जब टपकने लगे उससे शिव जी के उत्पन्न हुए, वो रोना शुरू कर दिया, कहने लगे पिताजी हमारे नाम क्या है? तो ब्रह्मा जी ने कहा तुम रो रहे हो इधर, तुम रोदनाथ इति रुद्र, ब्रह्मा जी ने उनको शिव जी के उनके कहा, जो ब्रह्मा जी से प्रकट हुए, तुम्हारे नाम आज हो गया क्या रुद्र हो गया। इसलिए कहा श्रीमद् भागवत में तृतीय स्कंध में ये कथा भी प्रसंग है। ब्रह्म संहिता में शिव जी के उत्पन्न के बारे में कहते कुर्चा देशात, भगवान विष्णु के जो है उनके कुर्चा देशात, ये भ्रू के बीच में जो है कुर्चा देशात का है, मिडिल ऑफ द आईलिड, इसके क्या बोलते हैं, ऐसे प्रकट हुए शिव जी के प्रकट के बारे में कहते। शिव जी विभिन्न कल्पों में विभिन्न रूप में प्रकट हुए, शिव जी अपने पत्नी पार्वती के साथ इस सृष्टि कार्य जो आदि करते रहते हैं, क्योंकि ये शिव तत्व की बहुत जटिल होता है, स्वयं भगवान महा विष्णु के रूप में ही सृष्टिकर्ता महाविष्णु, सृष्टि करने के लिए वो क्या करते, पहले माया की सृष्टि की,
माया की सृष्टि करने के बाद उन्होंने क्या इच्छन करने लगे। इच्छन माने देखना है? तो इच्छन के द्वारा माया के क्या कर दिया, उसके स्टिमुलेट किया, फिर उसमें सारे इंग्रेडिएंट्स को डाला है, सारे उपादान को डाला है। इसमें से दो तत्व होता है, एक उपादान कारण और एक होता है निमित्त कारण। उपादान क्या है? इंग्रेडिएंट्स है, जितने प्रकार के जो है उपादान होता है, मिट्टी जल अग्नि वायु। इसलिए सृष्टि तत्व के जन्म के लिए महत्व सृष्टि हुआ, काल है, ये समस्त जो है सारे सूक्ष्म शरीर सब कुछ प्रकट हुए है। कितने तत्व होता है? 28 तत्व होता है। सृष्टि तत्व में आपको कितने तत्व को समझना पड़ेगा? 28 तत्व है। विभिन्न आचार्य पाद ने विभिन्न रूप में कहा, किंतु हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती विद्याभूषण प्रभु ने कितना तत्व बताया? 28 तत्व, 28 तत्व जाता है। क्या क्या तत्व बताओ? एक पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच तन्मात्रा और पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेंद्रिय, पंचभूत और पंच तन्मात्रा हो गया। आज समझ में कितना हो गया? 20 हो गया है? और क्या? मन बुद्धि अहंकार, 24 तत्व हो गया। फिर क्या था? आत्मा परमात्मा हो गया। और फिर कितना हो गया? 24 हो गया। और एक ईश्वर और एक प्रकृति का है। ये सारी ये 28 तत्वों के द्वारा ही ये सृष्टि बनता है, सृजन करता है। इसलिए पहले 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 क्या था? महत तत्व बनते हैं, फिर काल के तरह छवित काल बनते हैं, काल के तरह छवित होकर के ये सारे तत्व आदि बनते जा रहे हैं, एक एक करके विकारशील होते जा रहे हैं। वस्तु जितने भी विकार होते हैं वह वस्तु की क्रिया उतना ही परिमाण दिखती जाती है। वही वस्तु के जितना दिन रख दोगे विकार हो जाता है। विकार क्या है? वस्तु के परिवर्तन हो जाते हैं होते रहते हैं। जैसे हमारे शरीर है, कोई मर जाता है उसके शरीर विकार दिखाई पड़ता है, फूल जाता है, इतना फूल जाएगा, फिर उससे शरीर से दुर्गंध निकलेगा, फिर उससे शरीर से पांच दो तत्व जो है पानी निकालते रहेगा। ज्यादा बोलते रहे तो खाने के समय आपके घिन ये आएगा, याद करोगे ना, डेड बॉडी होते ना, दुर्गंध आएगा, धीरे 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 उसके सब निकालते रहते। तो इसमें क्या थे? विकार होते रहते सारी शरीर की, जितने वस्तु जितने विकार होते हैं उस वस्तु की क्रिया उतनी ही होती है। इसलिए सृष्टि तत्व बताया गया, तेजसिक, राजसिक और तामसिक, ये समस्त दिखाया गया, अर्थात सप्त रज तम गुण आदि जो दिखाया गया। उसी प्रकार महाविष्णु ने किया कि माया के तरफ इच्छन किया, इच्छन करके माया के छवित किया, स्टिमुलेट किया। इसके पश्चात उन्होंने किया कि ये समस्त तत्व के जो है इंग्रेडिएंट्स को उन्होंने वहां पर रख, फिर माया से माया के जो कार्य होती रहा, माया के कार्य बनता रहता है। एक्चुअल माया नहीं कर रही है, स्वयं भगवान अपने अचिंत शक्ति के द्वारा माया के द्वारा ही कार्य करा रहे हैं। वो सोचते माया सोच रहे हैं मैं कर रही हूँ, किंतु माया तो जड़ है। इसलिए कहता है एक उपादान कारण और एक होता है निमित्त कारण। स्वयं भगवान महाविष्णु के रूप में ये सारे कार्य आदि करते, सृष्टि कार्य आदि करते थे। जिस प्रकार उदाहरण देते हैं, जैसे बकरी है, एक प्रकार बकरी होता है जिसके जो है गले में जो है दो ए रहता है, निपल्स रहता है, स्तन रहता है, उसमें कुछ दूध बूध कुछ नहीं होता रहता, वो दिखावट होता है। अजागर स्तन जो ही चीज चैतन्य भागवत चैतन्य चैतन्य में कहते हैं ये माया कैसे सृष्टि करती है, माया वास्तव में सृष्टि कर नहीं पाती है। क्यों? माया यदि जड़ हो तो जड़ कैसे सृष्टि करती है? एक्चुअल भगवान क्या करते हैं, अपने शक्ति आदि देख करके उसके चेतन बद कराते रहते हैं।
वो तो केवल ऊपर से दिखाने वाले होता है, है? जैसे बकरी होता है ना, बकरी के गले में जो दो स्तन रहता है उसमें कुछ नहीं होता है, दिखावट होता है। माया किसी प्रकार कार्य आदि करते रहते हैं, इसलिए भगवान कहते हैं माया दक्षिण प्रति सोते सचराचर। तो यहाँ पर भी प्रश्न होता है, माया जीव को कैसे बंद करके रखे हैं? जीव चेतन है और माया जड़ है, तो जड़ चेतन के कैसे पकड़ करके रखा है? बोले भगवान ने क्या कि ऐसे माया 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 को ऐसे अभिष्ट करके रखे हैं और माया के माया में ऐसे एक शक्ति दिया जिसको वो कहते हैं इल्यूजन प्रकट करते रहते हैं, इसलिए जीव भ्रमित होते रहते हैं। जैसे आप गर्मी के समय गाड़ी चलाते हैं ना, जस्ट 2-5 मीटर सामने आप देखोगे रोड के ऊपर पानी बह रहा है, गर्मी हवा में ऐसे आपको लगेगा इल्यूजन होते जाएगा जो आपके गाड़ी के सामने जस्ट 5 मीटर पहले सामने जैसे रोड के ऊपर पानी है, क्योंकि पानी नहीं है, गाड़ी चलते जा रहा है आपको भी चलते। ठीक उसी प्रकार माया के कार्य है, उसी प्रकार जो है जीवों के जो है उत्पादन करना है, क्या बोले इल्यूजन उत्पन्न करना है, जीव इल्यूस्ट्रेटेड होगा कहाँ जा रहा है पता नहीं। तो यहाँ पर फिर कहते हैं जीव उससे कैसे मुक्त होता है, तब उसमें वेदांत वेदांत में एक भी कहते हैं यथा मेष सेरोवत, जिस प्रकार वो क्या बोलते हैं बकरी ना बोलते हैं है? भेड़ जो होता है, भेड़ जैसे है? दो चार भेड़ जो है इसको पकड़े, शेर के बाद सावक के पकड़ ले, नया सावक के पकड़ ले, शेर जो है शेर के सावक वो रख सकते हैं, किंतु वही शेर के बच्चा जब बड़ा हो जाता है और हुंकार करने से वो भेड़ भाग जाता है। ठीक उसी प्रकार जीव चेतन होने पर भी माया के तरह उसी प्रकार रहते हैं, और माया में जब जीव में जब भगवान की शक्ति आ जाता है, माने अपने शक्ति की प्रकाश हो जाता है, भगवत प्रेम प्रकाश हो जाता है, तो माया अपने आप वो समझ में आया क्या बोला बताओ, उदाहरण क्या है? और जब हमारे चित बल आ जाता है, भगवत भक्ति भगवत प्रेम जब आ जाता है तो उस समय माया अपने आप वो भग जाता है। भगवत नाम करते करते ये हमारे हृदय में भगवत भक्ति भगवत प्रेम आ जाता है, माया अपने आप वो भग जाती है। इसलिए कहते हैं माया के पीछे ने पहली कृष्ण पाने चाहे भजते भजते कृष्ण पाद पद्म पाए, जब माया के छोड़ करके हम लोग भगवान के भजन करेंगे नाम करते रहेंगे तो उस समय भगवत शक्ति हमारे पास आ जाएगी, लादनी शक्ति जो है, जितने परिमाण लादनी शक्ति जीव के हृदय में प्रतिफलित होगा रिफ्लेक्ट होते जाएगा आते रहेगा और उतना ही परिमाण माया वो भग जाएगी। इसलिए कहते हैं ये लादनी शक्ति सर्वे श्रीमती राधिका है, जब तक तो राधा जी की कृपा नहीं हो तब तक तो हमारे हृदय में भक्ति देवी प्रकट नहीं होगी, इसलिए यही जो है और वो लाजनी शक्ति के लास्ट फ्रैक्शन क्या है, श्रद्धा है, वो श्रद्धा जितने ही हमारे पर बढ़ते जाएगा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति अंत में भाव और प्रेम प्राप्त हो जाता है। इसलिए राधा कृपा का टक्कर राधा जी की कृपा एक कण हो जाने का तब हमारी वो आत्मा की वृत्ति जो चेतन की वृत्ति वो अपने आप प्रकाशित हो जाता है, तो हमारे पास सब कुछ है किंतु विकसित कैसे होगा, राधा की कृपा से है। जैसे लकड़ी लकड़ी में आग है
किंतु आग लकड़ी को नहीं जला रहे, जलाती है लकड़ी में आग है कि नहीं, अग्नि है किंतु वो अग्नि लकड़ी को क्यों जला नहीं जला रहे। हर वस्तु में पांच तत्व है, मिट्टी जल अग्नि वायु आकाश, ये पांच तत्व हर वस्तु में है, पंच तत्व कहा जाता है। हमारे शरीर में भी आग है कि नहीं है, सब वस्तु है और ये पांचों तत्व जैसा वस्तु में, किंतु वो बाहर से आकर जब उसके पर्शन नहीं कर रहे हैं तो अब वो प्रकाशित नहीं हो रहा। उसी प्रकार जीव के हृदय में भी सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप में प्रेम है, सब कुछ है तुम्हारे पास। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध कबु नय श्रवणादि शुद्ध चित्ते वरह उदय टू मैनिफेस्ट है। आपके पास सब कुछ, भगना उधर उधर नहीं पड़ेगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास तो है तुम्हारे सब पास, क्योंकि तुम अपने को समझ नहीं पा रहे। अपने पास जो चेतन वस्तु है उसके चेतना के जगाओ अपने, जब तक चेतना के नहीं जगाओगे तो विकसित नहीं है। वस्तु की क्रिया तुम्हारे पास है, उसके क्रिया के जगाओ, उसके कैसे जगाओगे, साधु संग दे, इसलिए कहते हैं साधु संग सर्वशास्त्र देखा, साधु संघ के द्वारा उस अपने चेतन के जगाओ और कुछ करना नहीं है। जो जितने परिमाण जगते आत्मा की वृत्ति जगते रहेगा साधु संघ के द्वारा, वो उतना ही विकसित हो जाएगा, उतना ही उसके चित्त बल आते रहेगा। साधु संघ ही चित्त बल आता है, और चित्त बल आ जाए तो माया जो है अपने आप छोड़ देगी और कुछ नहीं। जितने हरि नाम, चित्त बल कहाँ से, भगवत नाम के द्वारा जितने नाम करते जाओगे और उतना ही तुम्हारे चित्त बल आते रहे। नाम तो नहीं करोगे बोले गुरुदेव हमारे स्वरूप बता दो, अरे नाम करो, हरि नाम करो, जितना हरि नाम करोगे उतना चित्त बल आता रहे। हरि नाम हरि सेवा गुरु सेवा करते रहोगे, चित्त बल अपने आप आते और विकसित होते, समझ गए। यही हमारी पद्धति, इसलिए महाप्रभु ने कह रहे नाम बिना कलिकाले ना ही आता, नाम करते करते वो चित्त बल प्रकाशित हो। इसलिए कहते भजते भजते कृष्ण पाद पद्म पाद, नाम करते करते ये चीज, कहीं जाने की जरूरत है, कोई और जोग कर्म जोग ज्ञान जो और कुछ करना नहीं है, नाम करते रहो बस। सर्वश्रेष्ठ शिक्षा तो यही है, एक कृष्ण नाम कैसे जी हमें उदित होगा, तब तो स्वरूप की उपलब्धि होगा। नाम प्रभु ही तुम्हारे स्वरूप की उपलब्धि करा गया, बोलना नहीं पड़ेगा जी गुरुदेव मैं कौन सा मंजूरी हूँ, मैं जलेबी मंजूरी पकौड़े मंजूरी कौन सा मंजूरी है। हरिनाम करते करते अपने आप स्वरूप की उपलब्धि हो, किंतु ये हरिनाम करके उपलब्धि तो होगा उसके लिए प्रोसीड्योर हो गई है, उससे एक विशेष क्या दिखा रहा है। आज कहा था ना भक्तिनाथ ठाकुर के बारे, भक्तिनाथ ठाकुर भी स्वयं कहा, क्योंकि बाबा जी संप्रदाय लोग कहते हैं ये गौड़ीय वैष्णव के लोग केवल छिलका लेकर के रहते हैं, मान केवल तत्व सिद्धांत लेकर चलते रहते हैं, रस के बारे में जो कोई ज्ञान नहीं है, कोई बाबा जी संप्रदाय लोग कहते हैं। हम लोग तो केवल रस लेकर के डूबते रहते हैं, बाबा जी संप्रदाय में जाओ केवल रस रस ही है बस और कुछ नहीं। भक्ति ठाकुर कहते हैं नहीं, गौड़ीय शुद्ध गौड़ीय वैष्णव जो है तत्व और रस दोनों के लेकर चलते हैं। तत्व सिद्धांत तो जितने ही आपके बढ़ते जाएगा रस सिद्धांत तो में उतना ही आपके प्रवेश होगा। इसलिए कहते सिद्धांत बोले चित्ते लयते ना करो रस, जहां ही कृष्ण लागे शुद्ध रम, सिद्धांत में प्रवेश करना है। ये सारे सिद्धांत भी दिखा रहा है जो कैसे मरीज हृदय में के रस कैसे बनता है। एक सुंदर जो है जूस बनाने के लिए आपकी कुछ ये चाहिए, इंग्रेडिएंट्स चाहिए, क्या क्या चाहिए, चाहिए आपके पानी चाहिए, मानो एक सुंदर शरबत बनाना चाहते हो तो क्या चाहिए, पहले पानी चाहिए है? और इसमें चीनी चाहिए है? फिर क्या चाहिए, नींबू की रस, नींबू चाहिए, रस करना पड़ेगा
और फिर उसके इस सामग्री का आपको एकत्रित करना पड़ेगा, तब तक अच्छी तरफ से एक सुंदर जूस बना सकते हो। कैम्फर चाहिए और कि ब्लैक पेपर चाहिए, सॉल्ट, सब प्रकार के उसमें, किंतु तो आ गया, किंतु ये समस्त सामग्री आने पर भी यदि आपके उसके जो है ये नहीं जानते हो, क्या बोले, प्रोसेस नहीं, रेशियो नहीं जानते हो, कितने अनुपात कितने कितने क्वांटिटी कितने परिमाण में किसमें डालना है वो नहीं जानो, तो वो भी रस नहीं बनेगा, उसे स्वादिष्ट नहीं होगा। कितने परिमाण पानी में कितने परिमाण आपको चीनी डालना पड़ेगा, और वस्तु में ये उसी प्रकार क्वांटिटी के बारे में ज्ञान होनी चाहिए, और कितने परिमाण कैम्फर डालने, कपूर कितना डालना पड़ेगा, कितना ब्लैक पेपर के काली मरीच कितना डालना पड़ेगा, कितना नमक डालना पड़ेगा, ये सब तो अनुपात का आपको जाना पड़ेगा। तब तो जो सुंदर रूप में जितने अनुपात में आपका ज्ञान होगा तो वो स्वादिष्ट जो है वो ड्रिंक बनेगा, तब उसमें स्वादिष्ट है। तात्पर्य क्या है, उसी प्रकार रस के संबंध में ज्ञान ज्ञान भी आपको करना पड़ेगा। इसलिए कितने परिमाण इंग्रेडिएंट्स चाहिए रस बनाने के लिए, कितना बताओ, अरे मैं 49 जो है आपको इंग्रेडिएंट्स चाहिए। इसके साथ लेता हूँ विभाव अनुभाव सत्विक व्यभिचारी, विभाव अनुभाव सत्विक, इसके बाद क्या हुआ, और क्या बताओ, मैथमेटिक्स भूल गई तो कैसे हो गया, साल बताएंगे तो पढ़ करके दबाओ, इतने बार बार बोलते बोलते थक जाता है, वही होता है ना, कथा सुनाता हूँ ना, ये 7 दिन रामायण कथा सुना करके बताओ क्या सुना तुमने, एक व्यक्ति में कथा सुनाता हूँ कभी कभी, बोले 7 दिन रामायण सुनाया बैठा, तो एक व्यक्ति बोला भाई तुम्हें रामायण जो सुना क्या लगा, बोले अच्छा लगा, बोले क्या सुना, बोले क्या सुना क्या बताऊ, बोले अच्छा तुमने क्या समझा, तुम्हारे क्या समझ में आता तब तो बताओ, तो बोले महाराज आपने तो सुनाया अच्छा बताया, सुनने तो बहुत अच्छा, किंतु मेरा समझ में नहीं आया ये राम इसमें राक्षस कौन था, राम था कि रावण था, ये रामायण में ये इसमें कौन राक्षस, राम था कि रावण था, 7 दिन कथा सुना करके इतने मगज मार करके उनके समझ में नहीं आया कौन राक्षस था, रावण था कि राम था, तो वक्ता वो कहने लगे बेटा कोई राम रावण कोई राक्षस नहीं था, मैं ही था मैं ही राक्षस था, क्यों तू जैसे मूर्ख है तुमको मैंने समझा नहीं पाया दिमाग तुम्हारी कम नहीं, तो यही तो मेरा ही काम है, मेरा कमी है, तेरा कमी नहीं है, मेरा कमी है। समझने के लिए प्रयास करो, याद नहीं रखते क्या रखते भूल जाते हो, अरे पहले तो सब विभाव अनुभाव सात्विक व्यभिचारी चाहिए, विभाव अनुभाव सात्विक और व्यभिचारी, विभाव अनुभव सात्विक और व्यभिचारी, विभाव एक होता है विभाव दो होता है, आलम्बन होता है एक और ये होता है उद्दीपन होता है, आलम्बन क्या होता है, आलम्बन दो होता है, एक विषय आलम्बन होता है एक आलम्बन, अरे सब आप राम है सब सब आप लोग सब याद है, तो एक आलम्बन होता है क्या बोला, एक विषय आलम्बन होता है एक आश्रय आलम्बन होता है, विषय आलम्बन स्वयं भगवान सबसे बनते हैं और आश्रय आलम्बन भक्त बनते हैं, ये याद रखना चाहिए, कोई विशेष क्षेत्र भेजे विपरीत हो जाए वो दूसरी बात है, वो आपकी आलोचना के विषय है।
उद्दीपन किसको कहते हैं, जिस वस्तु के देख करके हमारे हृदय विभावित हो जाए, स्टिमुलेट कर सकते, जो जैसे रस के भक्त होते हैं उस वस्तु के देख करके उनके हृदय आडोलन बिडोलन होते हैं, स्टिमुलेट होता है, उसे कहते हैं उद्दीपन कहा जाता है। हर रसों की अलग अलग आलम्बन होता है, अलग अलग उद्दीपन भी होता है। संत दास सख वात्सल होता है, माधुर्य होता है, पांच मुख्य रस होता है, सात गौण रस होता है। जैसे जैसे रसों की साधक होंगे उस रसों की उद्दीपन उसके पास आ जाता है। जैसे संत रस की उद्दीपन क्या होता है ये समझ तो जानना पड़ेगा, नहीं तो आगे जाके उन पंचायत आपके क्या समझ में आएगा, कुछ नहीं। संत रस के क्या होता है, जैसे जंगल देखते हैं, पहाड़ देखते हैं, गुफाएं देखते हैं, मुनि ऋषियों के ध्यानस्थ आदि याद आ जाता है, ये संत रस के होता है। संत रस में क्या बोलते हैं, संत में केवल निष्ठा रहता है, उसमें सेवा की वृत्ति नहीं होता है, संत में केवल निष्ठा, भगवान के प्रति कोई सेवा वृत्ति नहीं है। ये गुण आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये सब जब तक समझ में नहीं आएगा, मैं एक शब्द में बोल दिया जो 49 इंग्रेडिएंट्स होने से रस कैसे होगा, इसलिए ये समझ तो आपको समझना पड़ेगा, एक एक रसों की आलम्बन क्या है, उद्दीपन क्या है, इसको समझना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा, मैथमेटिक्स में जैसे बहुत कुछ सीखना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार ये मैथमेटिकल आपको जानना ही पड़ेगा। उद्दीपन होता है, ये शांत रस के उद्दीपन होता है, जो शांत रस के वक्त होते हैं जटाजुट वेशधारी साधु के देख करके उनकी उद्दीपन होता है, उनके आंखों की दृष्टि सदा सर्वदा नीचे की तरफ रहता है, शांत रस के होता है। इसमें तो सब वर्णन है, शांत रस के जितने भक्त होंगे उनके आंखों जो है अर्ध निमित रहते हैं, आंख और आधा जो है झुके रहते हैं, मैंने बंद रहता है, हाँ क्लोज हो जाता है, पूरा क्लोज नहीं है थोड़ा, ये शांत रस के लक्षण होता है, ये समस्त लक्षण दिखाता है कि उनके एक ही होता है ध्यान आदि उनके होता रहता है, ध्यान ही प्रधान उनकी रहता है, जंगल आदि में एकांत में उसके रहना इच्छा कर, ज्यादा वार्तालाप उसको करना, किसी के साथ ज्यादा बातचीत नहीं करते हैं, उनकी दृष्टि जो है सदा सर्वदा पैर के तरफ रहता है, ये समस्त उद्दीपन होते हैं, संत रस के लक्षण जो होते हैं ये भक्ति में सीखता है, ये समस्त आपको जानना पड़ेगा। दस रस के होते हैं, दस रस के ऐश्वर्य बुद्धि होता है, उनके भी उद्दीपन होता है, जैसे हनुमान आदि इसके दस रस के भक्त माना जाता है, सनक सनातन आदि इसके संत रस के भक्त भी माना जाता है, समझ रहे, कौन सा भक्त कैसे है उसके रस के अनुसार उसकी क्रिया आदि उसी प्रकार होता है, ठीक उसी तरह उसके उद्दीपन भी होता है। सख रस के जो साधक जो होते हैं उसके हास परिहास आदि में उसके आनंद होता है, खेल कूद में उसको अच्छा लगता है, जैसे हमारे कुछ ब्रह्मचारी वो देखते रहते क्या बोलते हैं उसको, कहाँ क्रिकेट खेल रहा है क्या हो रहा है उसको देख, अरे क्या बेकार की बात है, ये सख रस के जो होता है उसके उसी प्रकार हास परिहास में उसका आनंद होता है, लड़ाई आदि में आनंद होता है उसको। वात्सल रस में जो है, वात्सल रस के जो साधक होते हैं बाल गोपाल आदि के दर्शन आदि में उसका आनंद होता है, उसी सेवा में लगते हैं, नंद जसला के अनुगत्य में बाल गोपाल के जो छोटे लाडू गोपाल की जो सेवा उसका आनंद लगता है, फिर कहते हैं महाराज मैं एक बाल गोपाल रखू रखो जैसी इच्छा ही है, ये सब इसलिए ये सब सच्चरति में आता है, अभी तो रस वस कुछ नहीं, ये सब कहते हैं ये सच्चरति में आ जाता है सब, वत्सल रस में साधु को उसी प्रकार होते हैं, छोटे बाल गोपाल लड्डू गोपाल होते हैं ना उसके सेवा करने में अच्छा लगता है, उसके खिलाएंगे पिलाएंगे नहाएंगे, जैसे माँ जैसे अपने बच्चा को जैसे खिलाते पिलाते हैं लाड़ प्यार करते हैं और बाल गोपाल की सेवा आदि करते हैं, ये वत्सल रस के साधक की ये लक्षण होते हैं, उद्दीपन उसी प्रकार होता है,
जैसे वो छोटा क्या बोले कृष्ण के छोटे छोटे क्या बोलते हैं उसको खिलौने है, उसका आनंद होता है। देख माधुर्य रस के साधक जो होते हैं उसके भाव इस प्रकार माधुर्य भाव आदि रहते हैं, प्रिय प्रियतम आदि भाव आदि रखते हैं। कृष्ण के जहां जहां पर ऐसे माधुर्य लीला रासलीला आदि ये समस्त आदि लीलाओं के श्रवण कीर्तन आदि में वह सब स्थानों में जाने में उसके आनंद होता है। इसलिए तो भक्त ठाकुर एक साधारण रूप में ये लिख रहे हैं, उद्दीपन विभाग लिख रहे हैं, राधा कुंड तट कुंज कुटीर गोवर्धन पर्वत जाम उन्नति खगमृग की कुल, ये सब लिखते जा रहे हैं। ये उद्दीपन दिखा रहे हैं, ये उद्दीपन विभाग है जो माधुर्य रस के साधकों को उसके राधा कुंड आदि स्मरण उसके लीला आदि की चिंतन आदि करते रहे। जैसे भक्तिवृंद ठाकुर लिख रहे हैं राधा कुंड तट गुण क्या बोले राधा जी के राधा कुंड की जो महिमा वर्णन कर दिया चिंतामणि राधा कुंड तट ताहे कुंज सत सत प्रबाल विद्रुम मय तरुलता मुक्ता फले अवनत मुक्ता फले अवनत है। कितना सुंदर उद्दीपन आ रहे जो जिसके साधक होगा उस रस के अनुसार उस स्थान की कथा आनंद आएगा उसके हाँ समझ राधा कुंड क्या बोले चिंतामणि मय राधा कुंड कितना सुंदर भाव लोग भक्तिविनोद ठाकुर देते जा रहे हैं। आज भक्तिविनोद ठाकुर के पास में गए नहीं हम लोग कितना भाव इसके वर्णन करते जा रहे हैं राधा कुंड की महिमा क्यों क्या वात्सल्य रस के साधक ऐसे थोड़ी कहेंगे वात्सल्य रस के साधक कहाँ पे चलो नंद गोकुल तक पहुँचे जन्म नंद भवन में जाकर के बाद बाल गोपाल के लाड प्यार करते रहो झूला में झुलाएंगे चलो बाल गोपाल के झूला झुला ये तो उसके आगे नहीं कह जाए। किंतु जो माधुर्य रस के जो साधक होगा उसमें क्या दिया राधा कुंड चिंतामणि मय राधा कुंड तट ताहे कुंज सत सत प्रबाल विद्रुव मय तरुलता ये सब बन इसके आगे भी कर दी जा रही जैसे क्या बोलती जा रही निर्जन कुटीरे सतत चिंति आमी भक्ति मनोहर ठाकुर फिर वर्णन करते जा रहे हैं। पहले निर्जन के स्थान में बैठ करके राधा गोविंद के अपने जुगल किशोर किशोर के में चिंतन करते इतने समय कोई सखी आकर के कहने लगे अरे सखी यहाँ पर बैठ करके क्या कर रही हो ये सब छोड़ दो सब ये सब धन ये राधा कुंड में वृंदावन के धन के स्थान नहीं है साक्षात आकर के साधन राधा गोविंद के दर्शन करो वर्णन हो रहे हैं जगीरो ध्यान बड़े बड़े जोगी लोग जिस ध्यान ध्यान के द्वारा जिसकी प्राप्ति नहीं कर सकते और वो साक्षात राधा गोविंद की लीला यहाँ पर हो रही है क्या तुम कर रही हो आंख बंद करके क्या बोल दो भक्ति ठाकुर निर्जन कुटीरे सतत चिंतना आर मन समय कोई धीरे धीरे आसी रूप मंजिरी कोई भी आम की करो सखी बसिया हेता बाहर आसिया देखो जुगल रतन धाम बोले ये सब छोड़ करके बाहर आकर के देखो जुगल राधा गोविंद के लीला विलास का दर्शन करो साक्षात उसे दर्शन करो कितना सुंदर सब मेरे कहने की तात्पर्य है जो माधुर्य रस के भक्त इसके ये सब उद्दीपन होगा राधा कुंड की लीलाओं की स्मृति जिसमें होता है ये होता है क्या उपासना मंत्र में उपासना होता है और एक होता है कि सारसी उपासना होता है मंत्र में उपासना साधक ऐसे चिंतन करते करते इसी लीला को सब एकत्रित करते रहते जैसे किसी को एक माला गुथना है तो माला गुथने के लिए क्या करना पड़ता है अनेक प्रकार के रंग बिरंग के फूल को संग्रह करते हैं लाल नीले पीले अनेक फूलों के अब संग्रह किया ठीक उसी प्रकार ये लीलाओं की स्मरण करने के लिए उसी भाव के अनुसार उस समस्त कथा को जब वो एकत्रित करें फिर वो कैसे लीलाओं की करना है जैसे एक माला ऐसे नहीं गुज जाता एक तो माला किसी प्रकार एक ही रंग के द्वारा माला गुज देते हैं चलो पीले पीले कर देते हैं वो एक प्रकार माला होता वो आनंद नहीं होता है ठाकुर जी के माला लेकर के ना केवल वो गेंदा फूल होता है ना एक केवल पीले फूल के द्वारा एक माला गुज गुद दिया वो तो कोई बच्चा भी गुज सकता है सिर्फ कोई फायदा नहीं है किंतु माला गुंफन गुंफन जो माला गुजने के एक आर्ट होता है कौन सा रंग के फूल कहाँ पर देख करके कैसे गुथना है वो एक आर्ट कहा जाता है 64 प्रकार
अंग में 64 प्रकार जो है क्या बोले अंग होता है इसमें गंध क्या बोले उसके आर्ट ऑफ कहा जाता है। तो माला गुंफन माला गुंथना भी एक प्रकार आर्ट है, किस प्रकार तो माला को कैसे सजाना है उसके द्वारा राधा गोविंद की प्रेम की उद्दीपन होता है। ये सब बहुत सुंदर सूक्ष्म विचार है प्रसिद्ध विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद श्री कृष्ण भावनामृत ग्रंथ में वर्णन किया। मैं किसने बोल रहा हूँ जो जितने माधुर्य रस के साथ होगा वो उसी प्रकार उसमें भाव में रहे, इसलिए भक्त वृंदा को ये दिखा रहे थे। ये सब कथा उद्दीपन विभाग है, आलम्बन उद्दीपन है, आश्रय आलम्बन विषय आलम्बन उद्दीपन विभाव अनुभव सात्विक व्यभिचार ये सब भाव दिखा रहे हैं। अष्टसात्विक भाव आठ जो है अष्टसात्विक कहा गया, रोमांचक कंपाचल वैवर्ण ये सब अष्टसात्विक विकार होते हैं। 33 प्रकार के जो है संचारी भाव होते हैं, ये समस्त भाव के करते करते जाते चलो अभी मूल पंचायत में बताए नहीं कैसे हुआ उससे इसको सीखो तब तब तक आगे बताइए। बोलो वृंदावन बिहारी मंत्रमय उपासना एक एक भावों के जो है अनुसार वो समस्त लीलाओं के श्लोकों के एकत्रित करना, जैसे माला इसलिए मैंने उदाहरण जैसे माला गुंथने के लिए फूलों का संग्रह करना, हमारे भाव में हृदय में जैसे भाव है उस भावों के अनुसार वो श्लोक की आपको रखना पड़ेगा। जैसे आप जिस माधुर्य रस को माला गुंथने के लिए आप मंत्र करने के कौन सा मंत्र लेना पड़ेगा श्लोक लेना पड़ेगा, जैसे बरा पीड़न नटवर बभु कर्ण कर्णिकारम इंद्रदवार शोकन तुलसीम भजन तुमारम रंधन वेण रथ सदय पुरण गोपविंद वृंदारणम सपद्रमणम प्रावि सदा विधि कीर्ति आगे ना। ये माधुर्य भाव की गोपियों के द्वारा कृष्ण के स्वरूप वर्णन हो रहे हैं, माँ जसोदा के द्वारा नहीं, माँ जसोदा के बाल गोपाल हाथ लड्डू हाथ में लेकर खड़े हैं, गोपियां ऐसे नहीं कहेंगे, गोपियां क्या कहेंगे परहा पीड़ा नर प्रभु को कर्ण कर्णिकारम विप्रत वास कर्ण कवचन भजन तुमारम रंधन वेण रथ सदय पुरण गोपविंद वृंदारणम सपद्रमणम प्रावि सदा विधि कीर्ति। ये समस्त श्लोकों की जो है माधुर्य रस श्लोकों को आपके पहले क्या करना पड़ेगा संग्रह करना पड़ेगा, नाम करते करते एक एक श्लोक उच्चारण करते रहो तन्नाम रूपचरितादि सुकृत नाम स्मृतो प्रमणा रसना मनुष्य निज जो तिष्ठन व्रजे तदानुरागी जनानो गामी काल नये अखिलम ये तो आपके बोल दिया हो गया नहीं ऐसे, इसमें संग्रह करने के लिए कैसे संग्रह करना है इसमें भी करना चाहिए, कैसे कैसे फिर राधा जी के स्वरूप कृष्ण के स्वरूप उसी स्वरूप के अनुसार वो सब श्लोक का विकसित करना पड़ता है, फिर उसके आगे जाकर के फिर माला गुंथन करना पड़ता है, माने अपने अपने माधुर्य रस के जो लीलाओं के जब पर समावेश करना पड़ेगा। जैसे हमारे कृष्णदास जी क्या नाम विश्वनाथ चक्रवर्ती कृष्ण भावनामृत ग्रंथ में वर्णन कर रहे हैं प्रातः काल में राधा जी के स्नान कराने के पश्चात जब उनके अंगराग हो रहे हैं, अंगराग समझते हो शरीर में जब अलंकार आदि क्या बोलते हैं अलंकार आदि जब सजाए जा रहे हैं, एक एक अलंकार जब सजाती है एक एक सखी एक एक अलंकार राधा जी के अंग में रख ले और उस अलंकार जैसे पहनाती है राधा जी को उस अलंकार के बारे में सुनाती है, जैसे अंगद बाजूबंधन कहते ना जैसे है उसके क्या अंगद कहा जाता है, अंगद शब्द की ऐसे सुंदर ललिता देवी वर्णन कर दिया राधा जी की आनंद होता है ऊपर से क्रोध प्रकाश करती है ऐसे क्या बोले प्रेम ऐसे होता है ऊपर से टेढ़ा दिखाते हैं क्रोध दिखाते हैं अंदर में क्या होता है आनंद होता है आनंद होता है, इसलिए अंगद अंगद इति अंगद दो अर्थ होता है, ये बाजूबंधन जो है उसके नाम क्या रखा है अंगद अंगद कहा जाता है, और दूसरी क्या अर्थ है अंगद तुम्हारे ये अंग के दान करो अर्थात गोविंद के हमारे एक अंग के तुम दान करो अंग द हो गया ना द माने दान करो अंग माने ये शरीर ये जो ऐसे ऐसे एक एक उदाहरण देते जा रहे हैं कितने बताते जा रहे और ऊपर से इतने सखियां हंसते रहते हैं और आनंद करते एक एक अलंकार पहने में इतने आनंद होता है वहीं पर क्या बता
जो शक्कर उसके होता है, फिर उसके उसके भी कृष्ण के लिए क्या बोलते हैं ना, सुबल सिदाम भी वहीं पर कृष्ण भी आनंद प्रदान करते हैं। माधुर्य रस के कहे तो तुम्हारे हृदय में विकार हो जाएगा, स्टूपिड नॉनसेंस का जड़ भावना आ जाएगा, इसलिए माधुर्य रस की करना ठीक नहीं है। इसलिए कहते हैं सख वात्सल्य तक बोलना ठीक है, माधुर्य रस के बोले तो तुम्हारे विकार सब है, क्योंकि सब तुम्हारे सब पता है ना, सब सब पता है, इसलिए माधुर्य रस के बोलना नहीं है। जैसे एक छोटा एक लीला कर दो, शक्कर उसके सी लीला कर देगा। एक समय कृष्ण एक स्थान में बैठे हुए थे, अकेले एकांत बैठा हुआ कृष्ण बैठे हुए थे, इतने समय मधुमंगल आ गए। जब मधुमंगल पधारे, कृष्ण कहने लगे, मधुमंगल आज तुम इतने देर से क्यों आए, कितने समय से तुम बैठे हो, तुम कहाँ चले गए थे? उस समय मधुमंगल कहने लगे, भैया देखो आज मैं चला गया था भागुर ऋषि के पास। किसके पास? भागुर ऋषि। बोले भागुर ऋषि के पास जाकर क्या सीखा, क्या क्यों गए थे? बोले एक पूछे से तंत्र मंत्र सीखने के लिए मैं गया था। कृष्ण बोले तंत्र मंत्र सीख लिया? बोले हाँ कुछ सीखा मैंने। अच्छा क्या तंत्र मंत्र सीखा, सीखा क्या चीज बताओ, अपने अभिज्ञता कुछ एक्सपीरियंस बताओ। तब मधुमंगल कहने लगे, देखो मैं भागुर ऋषि से ऐसे तंत्र मंत्र सीख लिया जैसे किसी को देख करके मैं बता देता हूँ वो क्या चिंतन कर रहे हैं। जैसे आप लोग यहाँ पर बैठे हैं ना, आपको देख करके मैं बता दूँ आप क्या चिंतन कर रहे हो, तब तो विश्वास हो जाएगा ना। यदि मैं बोल दिया हाँ भाई, तब तो विश्वास। तो मधुमंत्र कृष्ण कहने लगे, अच्छा बताओ तुम कृष्ण उससे क्या मंत्र सीख करके आ। तो मधुमंगल कहने लगे, ऐसे थोड़ी कहा जाता है, देखो मुझे कुछ मैथमेटिक्स कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो मधुमंगल जान बुझ करके थोड़ा आंख बंद करके ऐसे ऐसे करने लगे, फिर एक पेपर लेकर के ऐसे त्रिकोण षटकोण ऐसे करके बस कुछ बिल्कुल मंत्र करने है तो कुछ नहीं ऐसे सीखा। कृष्ण कहने लगे, अच्छा बताओ क्या सीखा। बोले देखो तुम्हारे मन में एक चिंतन हो रहा है, मैं डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट बताता हूँ। बोले अच्छा बता दूँ, देखो आज मैंने ये देखा तुम्हारे मन की भावना देख करके मेरे सारे ये चार्ट में आ गया। चार्ट होता नहीं, वो तंत्र मंत्र के चार्ट होता है, ये है त्रिकोण षटकोण होता है ना, इस कोण ये कोण ये कोण ये कोण पे ऐसे मधुमंगल ऐसे ऐसे बीड़ बीड़ करके कुछ बोलना शुरू कर दिया। बोले देखो इसमें एक है, आप ये चिंतन कर रहे, चिंतन करते करते आप एक स्थान में चले, बहुत एक सुंदर एक सरोवर था और उस सरोवर में इतना सुंदर जल था, क्या बताऊं मैं, एक कॉइन भी डाल दो नीचे दिखाई पड़ेगा। उसमें सरोवर में अनेकों जो है कमल खिले हुए थे। कृष्ण भागते भागते चिंतन करते करते कहाँ चले गए, राधा कुंड में चले गए। सरोवर के नाम होने से कहा राधा कुंड भी सरोवर तो होता है। तो कृष्ण वहां पर चले, फिर कहने लगे मधुमंगल, अच्छा आगे बताओ। देखो वहां पर अनेकों जो है हंसिनी, जो है हंसिनी है ना, वहां पर विचरण करे। सुनकर के कृष्ण के आंख इतने बड़े बड़े हो, क्या हंसिनी है, राधा आदि गोपियों की वहां पर राधा कुंड में जल विहार किया, वो चिंतन कर। अच्छा ये बात बताओ इसके बाद क्या है। उसके बाद मधुमंगल कहने लगे, देखो ये मेरा तंत्र शास्त्र इस मंत्र इस कोण के अनुसार इस मंत्र के अनुसार ये दिखाई पड़ रहा है, वहां पर एक बड़ा जो सबसे बड़ी जो हंसिनी है उसके पीछे अकस्मात एक बड़ा जो हंस आकर, काले हंस आकर के उसके पीछे दौड़ने लगे। एक सफेद हंस, दो प्रकार के हंस होता है, एक राजहंस दो प्रकार होता है, इंडिया में होता है ना, इंडिया में नहीं होता है, ऑस्ट्रेलिया में देखा मैंने, एक काले काला है जो ना, इंडिया में केवल सफेद दिखाई पड़ता है, है? हाँ एक हंसिनी जो है सफेद हंसिनी है, फीमेल जो है हंसिनी जो है, उसके पीछे जो है एक काले जो है हंस जो है मेल जो है उसके पीछे दौड़, और कभी कभी वो हंसिनी जो है वो सरोवर के पानी में डुबकी लगाते हैं है? और हंस उसे पता नहीं पाते, फिर ऊपर के बहुत दूर जाकर उड़ते हैं तो हंस पीछे पीछे चलते हैं फिर डूब जाते हैं। कृष्ण ऐसे सुनते सुनते इतने भाव में अभिष्ट हो गए, कृष्ण
के आंखों से आंसू आ गए। कहने लगे मधुमंगल तू बताओ वो भी वो हंस हंसिनी के पकड़ पाएगा कि नहीं पाएगा तुम्हें बता दिया। क्यों बार बार जब वो हंसिनी और हंस जब पानी में डूबते जा रहे और उठे तो कृष्ण भाव में इतने अभिष्ट हो गए। कृष्ण कहने लगे हे मधुमंगल तू ये बताओ कभी वो हंस कभी हंसिनी को पकड़ पाएंगे कि नहीं, आंखों से आंसू की धारा। मतलब क्या है कृष्ण की भाव इतने उद्दीपन हो गया वो हंस हंसिनी क्या राधा जी है और हंस क्या है अपने को हंस मान लो कृष्ण। अर्थात राधा गोविंद कैसी लीला चलती है, एक राधा जी दौड़ रही है उसके पीछे कृष्ण दौड़ रहे हैं, यही भावना आती जा उद्दीपन हो रही है। कृष्ण के आंखों में आंसू आकर के कहे मधुमंगल तुम्हें तो बताओ तुम्हारे तंत्र मंत्र में ऐसे के तंत्र मंत्र है तू मुझे बता दे वो हंस कभी नहीं कभी तो हंस के पकड़ पाएगी कि नहीं। कृष्ण के ऐसे भाव देख करके मधुमंगल कहने लगे पकड़ पाएंगे हम से कभी नहीं कभी हंसिनी के जो है पकड़ेंगे। बोले कैसे बोले तो बोले विशाखा अस्त्र विशाखा विशाखा विशेष शाखा के जब आश्रय करेंगे तब वो हंस हंसिनी के जो है पकड़। तात्पर्य क्या है यदि कृष्ण इसके तात्पर्य कार्य मधुमंगल कार्य हे गोविंद हे कृष्ण यदि तुम विशाखा के चरण आश्रय लिया अर्थात विशाखा जी के सहित से आप राधा जी के जो है मिल सकते प्राप्त कर सकते हो। बोलो वृंदावन जो ऐसे सुंदर लीलाएं होती है राधा कुंड में जाओ बैठ जाओ और ये चिंतन करते रहो है सारा दिन बीत जाएगा है बैठे रहो कितने सुंदर राधा कुंड। एक तो एक लीला थोड़ी सी लीला होगी नारायण कितने लीलाएं हैं और लीला बताऊं है सारसी की उपासना सारसी की उपासना होता है अपने रस के अनुसार जो अष्टकालीन लीला होता है उसके कहा जाता है सारसी की उपासना। जैसे राधा जी प्रातः काल से लेकर के एक क्या बोलते हैं पहले निशांत लीला से लेकर के फिर निशांत लीला में जो घूम करके आते हैं सारी लीलाएं उसके कहा जाता है माधुर्य रस में समस्त सारसी का अपने रस के अनुसार जो लीलाएं होती है वो स्वाभाविक रूप में होगा अभी वो जबरदस्ती नहीं होगी। अभी कभी कुछ कथा को सुन करके आपके हृदय में इधर लोभ उत्पन्न हुआ उस लोभ में फिर धीरे धीरे भगवत कृपा आदि से गुरु वचन के कृपा से वो भाव किंतु पहले तो ये तो समझो कितना इंग्रीडियंट्स बताया 49 क्या है ये तो तुम बताओ कैसे तुम तो सिखाई नहीं। हाँ 49 कैसे हुआ ये तुम बताओ ये तो मैंने बताया नहीं मैथमेटिक्स से कैलकुलेशन करके दिखाओ इतना ही कैसे है तुमको एक एक करके कौन सा रस कहाँ पर है ऐसे थोड़ी हो जाए। बोलो वृंदावन तुम लोग भूल जाते हो दिल्ली में कितने बार बताया तीन जो विभाव अनुभव है और अनुभव दिल्ली में बात कितने बार बता लिखा था भूल गए याद नहीं है। व्हाट इज बैग What is the bag? जो लोग एक चक्र जाना चाहते नाम लिखा दो Those who wants to go एक चक्र ग्राम please give your name to राधा गांधी दीदी प्रसाद लो